सबसे पहले तो सारे के सारे मेरे साथ मिलकर बोलो गणपति बाबा मोरिया गणपति बाबा मोरिया तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को और आप सभी के परिवार को देखिए हमारे देश में जो ये कल्चर होती है जो हमारे फेस्टिवल होते हैं यार इतने शानदार होते हैं कि हम में एक नई एनर्जी भरते हैं ये और आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई इसमें आप लोगों ने देखा होगा जो हाथी जी हैं एक तरीके से गणपति जी के साथ में कोरिलेट करते हैं तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप में से कितने ऐसे एसली फैमिली मेंबर हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम आज का एक शुभ दिन है जिसमें आप लोग अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को अपना पार्ट बना सकते हैं और ये जो वीडियो आप लोगों को दिख रही है ये बताओ किस पर्टिकुलर राज्य में सिचुएटेड है आप लोग अगर इस राज्य से आते हैं तो जगह का लोकेशन का आप लोग नाम लिखे देखता हूँ कौन कौन इसको आइडेंटिफाई कर पाता है दोस्तों आज है इकतीस अगस्त और ये हमारा जो डिस्कशन होता है ये होता है इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस क्यों है इसका नाम क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अलग अलग न्यूज पेपर के चाहे वो द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे पी हो या फिर कोई मैगजीन भी क्यों ना हो तो सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनका एक निचोड़ आप लोग के सामने आता है एक करंट के साथ में स्टेटिक पोर्शन यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग होती है तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग यहाँ पर बहुत सारी नई चीजें सीख पाते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग के माइंड में लंबे समय तक वो चीजें टिक भी पाती हैं जब आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के बैकग्राउंड में क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोग क्या करना है टकटकी लगाकर वीडियो को देखना है ताकि वीडियो के जो भी आर्टिकल डिस्कस करूंगा एंड में जो भी क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग शानदार तरीके से दे सको तो मेरा पर्पज यही रहता है कि जो भी आप लोग पढ़ो कम से कम वो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे और वो कैसे होगा जब आप लोग चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये आप लोग इनके बारे में बताइए और इनके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी आप लोग जाकर पढ़िएगा आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी थोड़ी सी आप लोग इंस्पायर होंगे इनसे क्योंकि जब इंसान जिंदगी में कुछ डिफरेंट करता है और वो एक ऐसे एरिया से निकल कर आता है एक हम्बल बैकग्राउंड से तो लगता है कि यार हम लोगों को भी कर लेना चाहिए तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा इनके बारे में जाकर पढ़िएगा अभी कुछ दिनों से मैं आप लोगों को जो कॉमनवेल्थ गेम के प्लेयर हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ डेली आप लोगों से एक पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करता हूँ तो ये भी उन्हीं से रिलेटेड है और इनका गेम जरूर आप लोग एक बार देखिएगा गेम जो है जिस गेम से रिलेटेड है आप लोग जानकर हैरान होंगे कि कई बार जिस गेम का नाम हम लोगों ने कई बार सुनते भी नहीं है उस गेम्स में भी हमारे देश में अच्छी अच्छी प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं ठीक है तो ये आप लोगों के सामने इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप लोग चीजों को इनके साथ में कनेक्ट कर पाओ शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं बोला गया कि मुश्किलें नहीं कुछ भी इस दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे मेरे दोस्त हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर अक्सर इंसान क्या करता है कोशिश करने से ज़... बहुत डरता है आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी चीज स्टार्ट करने की बात आती है ना कोई भी छोटी से छोटी छोटी चीज मैंने आप लोगों को बोला मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज कर लो हंड्रेड परसेंट बोल सकता हूँ नाइनटी परसेंट लोग क्या नाइनटी नाइन परसेंट लोग जो हैं आलस में आते हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले वो क्या करते हैं कल पे टाल देते हैं आज नहीं कल कर लेंगे जैसे मैंने बोला था ना कि मॉर्निंग में आप लोग जो भी उठते हो टाइम पर उठने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आते ही वीडियो देख लेते हैं तो उनको एक तरीके का सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि जैसे ही वीडियो आ गई तुरंत अपना काम निपटा लिया तो उससे पहले वो तैयार रहते हैं वीडियो के आते ही तुरंत कमेंट आ जाते हैं वीडियो के नीचे तो इससे क्या पता चलता है कि कितने एक्टिव है तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने काम को लेकर कितना इंसान जो है वो आतुर है कि हाँ इस तरीके से काम करना है तो ये इस तरीके एक्टिवनेस जब आप लोग के अंदर होगी तो उस काम को करने में आप लोग का मजा भी आएगा मैं रेगुलरली देख रहा हूँ कई सारे बच्चे जो हैं कमेंट कर रहे हैं नीचे कि सर इतने घंटे हम लोगों ने पढ़ाई की तो इससे क्या कर रहे हैं वो खुद फील कर रहे हैं कि हाँ इतने घंटे पढ़ाई की आज इतना बढ़ाया तो कई सारे बच्चे उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो लिख रहे हैं और जब आप लोग पब्लिकली लिखते हो ना वो भी एक अचीवमेंट है क्योंकि वो भी सबके बस की नहीं होता है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पब्लिकली लिखने में भी शर्माते हैं यार कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है आप लोग इस हेजिटेशन को तोड़ो और जिंदगी में चीज़ों को करना स्टार्ट करो जिससे भी आप लोगों को डर लगता है जो जो चीज़ आप लोग को डराती है वो वो काम करने स्टार्ट कर दो जिंदगी में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आसान लगने लगेगी अगर इनसे डरे बैठे रहोगे जितना लंबा इनको खींचोगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है चाहे वो मॉर्निंग में टाइम पर उठने की बात हो चाहे एक्सरसाइज करने की बात हो चाहे वो आंसर राइटिंग करने की बात हो जी हाँ माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आए इस धरती पर सबने यहीं पर चीज़ें सीखी हैं तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर वही कोशिशें जो हैं आप लोग की रंग लाने लगेगी और आप लोगों की जिंदगी में हकीकत में चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी मैंने आप लोगों को हमेशा बताया जब पहली बार मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की थी इस चैनल के ऊपर उस टाइम पर मैंने उस वीडियो को अपलोड करने से पहले दुनिया भर की वीडियो बना बना कर डिलीट की थी ठीक है उससे पहले मुझे इतना डर लगा था मैंने कहा यार पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा तो कोशिश ही तो थी वो एक तरीके की पढ़ाने में मन लगता है बातें करने में मन लगता है समझाने में मन लगता है पर लेकिन वीडियो अपलोड करना कैसी रिएक्ट करेंगे यार कौन देखेगा मतलब क्या मुझे लोग सुनेंगे सुन के उनको अच्छा लगेगा और आज आप लोग देखो ग्यारह लाख वो दस लाख का परिवार बना बैठा है हमारा तो इससे आप लोग समझ सकते हैं तो ये होता है एक तरीके से स्टार्ट करने के बाद में रिजल्ट तो वही मैं आप लोग कह रहा हूं ये ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर स्टार्टिंग में डर लगेगा पर लेकिन जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी जिंदगी जीने में आप लोग को मजा आएगा बहुत ही उम्दा आर्टिकल है स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा कई सारे इंटरेस्टिंग इंट्र, आर्टिकल बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी एक आर्टिकल यहां पर आप लोगों से बात करूंगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा काफी अच्छे से अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बोलूंगा आज के जो एस कमांडो है उनका नाम है शानू मैंने कई बार आप लोगों को देखा इनका नाम आप लोगों को बताया कल की वीडियो के नीचे पिन किया मैंने इनका आंसर एक बार आप लोग देखेगा। आप लोग जाकर लोगों का दिल खुश हो जाएगा कितने शानदार तरीके से डिटेल में सारे आंसर दे रखे हैं आप लोग इनके आंसर को पढ़ के इतनी सारी चीज सीख सकते हैं आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये लेक्चर के साथ में एक, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को मिल जाते हैं बहुत सारे ठीक है तो यहां पर देखते हैं मैंने कल आप लोगों से जो भी पूछे सारे इतने डिटेल में दे रखे हैं मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप लोग ना जो भी काम करते हो मान लीजिए यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं आंसर लिख रहे हैं या फिर आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं अपना टाइम नोट डाउन किया करो आप लोग उस काम में कितना टाइम लगा रहे हो इससे क्या होगा आप लोग टाइम टू टाइम जो है अपना टाइम जो है फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दोगे हम लोग क्या करते हैं मोबाइल खोल के बैठ गए पता ही नहीं चला कहाँ पर दो घंटे लिख गए ऐसा नहीं कर रहे हैं टाइमर लगा लो कि इतने टाइम ही बस यूज करना है आप लोग अगर कोई भी काम करते हो उसमें अपने आप का टाइम नोटिस करने की कोशिश करो इससे आप लोगों को ये पता रहेगा कि कहाँ पर आप लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हो और कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इससे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो देखिए कितने शानदार तरीके से इनके द्वारा फीडबैक तक दिए गए हर एक आर्टिकल के तो ये काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से यार आप लोग पार्टिसिपेट करते हो और इसी तरीके से आप लोग सीखो इनसे कि कितने शानदार तरीके से डिटेल में आंसर दे रही है इसको ये पढ़ते भी होंगे पढ़ने के बाद में इसको फिर लिखते हैं लिखने के बाद में देखिए पहले इन्होंने पढ़ा फिर इनके द्वारा लिखा गया लिखने के बाद में फिर आप लोग समझ सकते हैं जब इंसान पढ़ लेता है और लिख लेता है वो चीज़ें लंबे समय तक याद रह जाती है इसीलिए कहता हूँ चीज़ों को लिखना स्टार्ट करो आप लोग चीज़ों को भूलोगे नहीं ठीक है तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस भी रहेगा वीडियो में जो आप लोग को इस जो आर्टिकल होंगे उनके बाद में देखने को मिलेगा उनको भी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा तो यहां पर ये जो टॉपिक है जब से हमारी कंट्री में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है क्या नाम है बताइए जरा याद हो गया होगा ना तो। आप तो चलिए बताइए फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे तो यहां पर अभी बात क्या की जा रही है एक पांच जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जा रही है और यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जा रही है कौन बनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं कौन से आर्टिकल के तहत बनाते हैं याद है ना आर्टिकल वन तो संविधान का जो अनुच्छेद एक है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है यू यू ललित साहब जो है उनको पावर रहती है कि वो एक संवैधानिक बेंच बनाए उस बेंच के अंदर में मिनिमम पांच जज होने जरूरी हैं ये जो पांच जज होते हैं ये संविधान से रिलेटेड मैटर को देखते हैं तो अभी बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे मैटर है जो संविधान से रिलेटेड पड़े हुए हैं और उनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है और आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था उस टाइम पर कि यू यू ललित्स के द्वारा सबसे बड़ी बात यही बोली गई है कि एक बैच एट लीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को देखेगी वो थ्रू आउट द ईयर रहने वाली है यानी कि इनका टाइम ड्यूरेशन हालांकि काफी कम है पर लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक ऐसा प्रावधान करके जाऊं ताकि पूरे साल कम से कम एक संवैधानिक बेंच बैठी रहे और वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल के संविधान से रिलेटेड मैटर को देखें जो भी अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं आप लोग बोलोगे ऐसा क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है संविधान से रिलेटेड सर कि हाँ एक बेंच जो है पूरे साल लगेगी संविधान के तो आप लोगों को अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं आप लोग समझ पाएंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जब रिजर्वेशन दिया गया तो उस टाइम पर यह संविधान का मैटर बन गया क्यों क्योंकि हमारे संविधान में जब रिजर्वेशन देने की हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है वो मेनली इस्तेमाल में किए जाते हैं पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों में बता दूं कहीं पर भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है पूरे संविधान में कि इकोनॉमिक बेस पर आप लोग किसी को रिजर्वेशन दे सकते हो संविधान में दो क्राइटेरिया दिए गए वो दो क्राइटेरिया के हैं, कि अगर कोई यहां पर एजुकेशनली बैकवर्ड है तो आप लोग उसको रिजर्वेशन दो यानी कि एजुकेशन शिक्षा में कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको आप लोगों को रिजर्वेशन देना है दूसरा क्राइटेरिया यहां पर रखा गया वो है आप लोगों को कि सोशली बैकवर्ड है अगर कोई पर्सन यानी कि सोसाइटी में अगर कोई इंसान जो है वो पिछड़ा हुआ है किसी रीजन की वजह से तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कई बार की एस सी जो कम्युनिटी है उनको सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि हम लोग उनको आगे लेकर चल सके तो एक तरीके से एक सोशली बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई संविधान में कहीं भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात नहीं की गई ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान बनाने वाले इस बात को नहीं जानते थे वो जानते थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इस टॉपिक पर डिबेट और डिस्कशन भी हुआ पर लेकिन जो रिजल्ट निकल कर आया वो सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि इस तरीके से बातें की जाती थी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा असेंबली के अंदर में जब वो चीजों को डिस्कस करते थे उनके द्वारा ये बोला गया अगर आप लोग इकोनॉमी के बेस पर हम लोग रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग रिजर्वेशन को कभी भी इस देश में से हटा ही नहीं पाओगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब यहां पर यह है कि आज एक इंसान ऐसा है जिसके पास में साइकिल है एक इंसान ऐसा है जिसके पास में स्कूटर है तो साइकिल से स्कूटर वाला ज्यादा अमीर है एक इंसान ऐसा है जिसके पास में मारुति 800 है तो स्कूटर से मारुति एट हंड्रेड वाला अमीर है एक इंसान ऐसा है जिसके पास में आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक अच्छी गाड़ी है दस बारह लाख की तो वो इससे ज्यादा अमीर हो गया एक इंसान ऐसा है जो कि पर पचास लाख की गाड़ी ले बैठा है, ये अमीर हो गया। एक है जो करोड़ों की गाड़ी ले बैठा है एक इंसान ऐसा है जो कि अपना प्राइवेट जेट ले बैठा है तो ये हमेशा कंपेयर करोगे तो कोई ना कोई अमीर और कोई ना कोई गरीब रहेगा तो इसका मतलब यह है कि अमीरों के साथ में जब आप लोग गरीबों को कंपेयर करोगे तो हमेशा रिजर्वेशन आप लोगों को देना पड़ेगा

तो नॉर्मली यहां पर अब यही बात की जा रही है कि जो ये बेंच है ये देखेगी कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है इनके द्वारा जो बेसिकली दस प्रतिशत तो वो सही है या फिर गलत है क्यों क्योंकि ऑलरेडी पचास प्रतिशत की जो सीलिंग रखी गई थी कि पचास प्रतिशत रिजर्वेशन जो है वो देना है उससे फालतू तो आप लोगों को नहीं जाना है ठीक है पचास प्रतिशत रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है एक को, एक केस के द्वारा रखा गया था बहुत इंपॉर्टेंट केस है आप लोग बताइए फिर कल इसके बारे में जब आंसर दोगे तो तो बता दूंगा मैं आप लोग केस का नाम बताइए तो अभी यहां दस प्रतिशत जो है रिजर्वेशन वो यहां पर इसका भी वॉयलेशन करता है तो यहां पर दो तरीके से आप लोग देखते हैं एक तो मैंने बोला कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए आप लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे दिया तो ये संविधान का हनन हो गया

जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में एन तो एनजे जो है वो माना जा रहा था कि जो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी को हर्ट कर रहे हैं यानी कि हमारी जुडिशियरी जो है वो आजाद है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता तो इसलिए उसको नल एंड वोड करार दे दिया गया यानी कि वो चीज गलत है उसको आप लोगों को साइड में करना है इसलिए यहां पर पूरा का पूरा जो संविधान में संशोधन का पूरा मैटर था उसको साइड में रख दिया उठाकर तो यहां पर ये तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि ये एक मैटर हो गया ऐसा ही मैटर आप लोगों को कई सारे यहां पर देखने को मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर मैं बोलूं आप लोगों से तो आप लोग देख सकते हैं वो है पांच अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया ये मैटर भी अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और हम लोग 2022 में आ गए हैं तो यहां पर ऐसे ऐसे जो संविधान से रिलेटेड जो मैटर है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं कि क्या प्रेसिडेंट रूल लगाकर असेंबली को बर्खास्त कर वहां पर आर्टिकल थ्री को हटाना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है उसको भी चेक किया जाएगा संविधान के दायरे के अंदर आता है या फिर वो संविधान का उल्लंघन वहां पर किया गया वो भी एक चेक करने वाला मुद्दा आप लोगों को हाँ को पर देखने मिलता है तो कई सारे ऐसे मैटर हैं जो कि अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको देखा जाएगा यहां पर कि किस तरीके से सिचुएशन यहां पर चल रही है और उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश यहां पर की जाएगी ताकि आगे आने वाले टाइम में संविधान से रिलेटेड जो भी मैटर हैं उनको अच्छे से देखा जा सके इसी के साथ में आप लोग देखते हैं अगर बात करें तो इलेक्शन जो बॉन्ड है यहाँ पर ठीक है जो भी हमारी कंट्री में जो अब बॉन्ड जो इश्यू किया जाते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कई सारे लोगों के द्वारा बोला गया वो हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है तो ऐसे ऐसे केस यहां पर अभी लटके पड़े हुए हैं जो कि बहुत पहले सोल्व होने चाहिए थे वो भी अब तक सोल्व यहाँ पर नहीं हुए तो ये सारे मैटर को थ्रू आउट द ईयर देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है और ये बनाई जाती है आर्टिकल 143 किसके हाथ में पावर होती है तो याद रखिएगा ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में ये पावर है कि ऐसी कोई बेंच बना सकते हैं तो इसीलिए ये कमेंट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही किया है कि मैं एक ऐसी बेंच पूरे साल चाहता हूं जो कि यहां पर इन मैटर्स को देखते रहे थ्रू आउट द ईयर तो यह मुद्दा यहां से निकल कर आ रहा है तो कौन कौन से आर्टिकल यहां पर इंपोर्टेंट हो जाते हैं अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो यह आर्टिकल आप लोग याद रखेगा इसी के साथ में संविधान संशोधन एक सौ पैंतालीसवा आर्टिकल हो गया और आर्टिकल वन तो आप लोगों को पता ही है कि जो प्रेजिडेंट को सलाह चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं और वो फिर सलाह देते हैं ठीक है तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं ऐसी जिनके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है और ये मैंने आप लोगों से ये बेसिकली उन्तीस तारीख को आप लोगों से दो क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे इनको आप लोग अटेम्प्ट करो वीडियो के अन, आप लोग इनको अटेम्प्ट करो जो पीपीटी रहेगी पीपीटी के अंदर आप लोगों को पोस्ट करो देखता हूँ को, किस किस को याद है क्योंकि दो ही दिन हुए अगर दो दिन में भूल जाओगे तो फिर क्या फायदा भाई साहब उस चीज का ठीक है तो आप लोग इसको देखेगा पीडीएफ आप लोग मिल जाएगी टेलीग्राम से आप लोग देख लेना इसको टेलीग्राम बता दू एक बार में स्टडी लवर वीर के नाम से ऑफिशियल यहाँ पर सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है और एक इंटरेस्टिंग चीज है पर जो आप लोगों जाकर पढ़नी है एक लेटर है यहाँ पर ये लव लेटर है अन्ना झारा जी का जो अरविंद केजरीवाल जी को लिखा गया उनके द्वारा <laughs> लव लेटर इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि उनके द्वारा कई सारी ऐसी पर्सनल चीजें लिखी गई हैं जो कि अन्ना हजारे जी ने फील की थी जब अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ में थे और अभी यहां पर अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से अपनी पॉलिसी लेकर आए शराब से रिलेटेड जो नीति थी उनकी जिसकी वजह से बहुत बड़ा बवाल हुआ देश के अंदर में तो उसके बारे में लिखा गया है मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक बार जरूर पढ़िएगा ये और ये एक ओपन लेटर लिखा गया अन्ना झारी के द्वारा जो केजरीवाल जी को कि आप चीफ मिनिस्टर बनने से पहले क्या बातें कर रहे थे और बनने के बाद में क्या बन गए हो तो ये आप लोगों को काफी कुछ सिखाएगा यहां पर ठीक है तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल पूरा का पूरा पड़ेगा हिंदी में है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं तो ये पूरा टेलीग्राम पर मैंने दो पेज शेयर कर रखे हैं और कई सारी बातें आप लोगों को जानने को भी मिलेगी कि पॉलिटिशियन कि किस तरीके से चीजें जो है वो आगे लेकर चलते हैं तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा इसलिए मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया आप लोग भी पढ़िएगा बाकी एस एल पीडिया पर नेक्स्ट सेशन एट्टी टू यानी मैंने यहाँ पर आप लोगों का अभी कई सारे सेशन हो चुके हैं आई थिंक एटी टू ही हुए हैं यहाँ पर उसको अगबर देख लेना और एक आप लोगों के लिए आर्टिकल भी यहाँ पर शेयर किया गया था बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं तो एस एल वी पीडिया को तो एटलीस्ट आप लोग ज्वाइन कर ही लीजिए इसमें बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी जो मुझे लगता रहता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं तो यहाँ पर वो शेयर कर दी जाती हैं ठीक तो इनको आप लोग जरूर देखेगा और ये क्वेश्चन दो अटैप्ट करिएगा देखता हूँ कौन कौन इसका सही आंसर देता है इससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोगों ने लास्ट वाले जो भी आर्टिकल है वो अच्छे सुने हैं और फीडबैक जरूर देना एक और छोटी सी बात यार कल का जो डिस्कशन था बेसिकली वो क्या किया गया उसको इनअप्रोप्रिएट बता दिया मतलब कि आप लोगों ने देखा उसके जो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में पता नहीं क्या इश्यू उसको लगा सेम वीडियो मैंने फिर से अपलोड करी उसके अंदर में इन नहीं बता रहा है पर लेकिन जब मैंने उसको रिव्यू करने के लिए बोला तो उसमें भी उसने बोला कि पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है मैं पूछ रहा हूं कौन सी पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है तो बता नहीं रहा है ठीक है उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं एक वीडियो थी स्टार्टिंग में उसमें कुछ गलत नहीं था एक लड़की जा रही थी मरने के लिए उसको बचा लिया ऐसा नहीं कोई मर रहा है कट रहा है कुछ था नहीं वही वीडियो जो है दूसरे चैनल पर चल रही थी जो न्यूज वाले चैनल होते हैं वहां पर वो अच्छे से चल रही थी पर लेकिन यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है यार इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ इसके पीछे रीजन है मैं आप लोगों को जितना बोलता हूँ ना कि वीडियो को लाइक कर दिया करो आप लोग या फिर आप लोग कमेंट करके बता दिया करो शेयर कर दिया करो तो उसके पीछे पर्पज ये रहता है कि यूट्यूब ना खुन्नस खाए बैठा है अब पता नहीं YouTube खुन्नस खाए बैठा है या कोई खुन्नस खो रहा है उसको YouTube को ये मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि यार 10 मिनट तक तो वीडियो सही चलती है 10 मिनट तक YouTube को नहीं लगा कि वीडियो के अंदर कुछ दिक्कत है 10 क्या ज्यादा मिनट तक ही बल्कि ठीक है उसके बाद में उसको जो है उसने इनअप्रोप्रिएट बता दिया क्योंकि स्टार्टिंग में जिस बच्चे ने भी खोली उसको कुछ दिक्कत नहीं हुई उसके बाद में वो इनअप्रोप्रिएट बता रहा है वीडियो को तो इसका मतलब ये किसी ने छेड़खानी की है फिर वीडियो के साथ में किसी ने रिपोर्ट किया फिर कुछ भी जो भी किया तो इसका सीधा सीधा पर्पज ये कि आप लोगों को ध्यान रखना है उस वीडियो का कि जो कोई वीडियो आ रही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक शेयर कमेंट किया करो ताकि जो भी यहाँ पर नेगेटिव चीज करने वाले हैं उनकी इम्पैक्ट जो है कम हो जाए तो YouTube यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से देखता है ठीक है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं यही बेसिक पर्पज मेरा रहता है कि आप लोग उसको ढंग से एक बार देखो मेरे बिना बोले भी आप लोगों ये काम करना है मुझे फीडबैक नहीं देना है यूट्यूब को फीडबैक आप लोगों को देना है ठीक है हल्का सा याद मैं इसलिए दिला देता हूं ताकि कई सारे बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे फिर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो पहले वाली वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी थी क्योंकि उसको लोग कई सारे खोल भी नहीं पा रहे थे ठीक है तो फिर दूसरी वीडियो डाली उस पर भी मुझे लग रहा है शायद उस पर भी लगभग पंद्रह हज़ार लोगों ने देख ली थी पर लेकिन बहुत सारे कमेंट इतने आ गए कि सर खोल ही नहीं पा रहे हैं ये क्या कर दिया ठीक है तो फिर मैंने उसको जब दूसरी डाल दी पहले वाले को मैंने प्राइवेट कर दिया तो वो रीज़न था कि वीडियो जो है दूसरा पार्ट आया कई सारे बच्चे जिन्होंने देख ली पंद्रह हज़ार के करीब वो कमेंट कर रहे सर फिर से अपलोड कर दी क्योंकि वो देख चुके थे स्टार्टिंग में तो आराम से चल रही थी वो उसमें कहीं भी दिख ही नहीं रहा था कि इन अप्रोप्रिएट है तो समझा करो मैं मेरी दुविधाएं आप लोग तो इसीलिए मैंने उसको फिर से अपलोड किया ठीक है एक बच्चा लिख रहा है सर पागल हो गए हो क्या फिर से को अपलोड कर दी <laughs> हाँ भाई साहब पागल हो गए मैं यूट्यूब ने पागल कर दिया मुझे फिर से अपलोड करने के लिए मजबूर कर दिया ठीक है तो ये थी कुछ बातें आई होप कि आप लोग इसको समझोगे आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल के लिए चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है उंदा। आगे के जो आर्टिकल आने वाले हैं अच्छे से एक एक पॉइंट जो सुनिएगा और क्वेश्चन के आंसर जोड़ दीजिएगा ठीक है एक और बड़ा छोटा सा और बड़ा ही प्यारा सा ये आर्टिकल है यार इसको भी आप लोग अपने साथ में कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आप लोग सब इस प्रॉब्लम से जूझे हैं जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा शाम को आकर सर लगभग आठ बजे करीब ये बोला गया कि भाई और बहनों कल से पांच सौ हजार के नोट जो हैं वो तत्काल प्रभाव से बंद होने वाले हैं ठीक है थीके? तो उस टाइम पर हम लोगों ने देखा कि भाई साहब जिंदगी रुक सी गई है बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि उस टाइम पर बहुत सारी फेक करेंसी यहां पर चल रही थी तो वो भी एक रीजन था और डीमोनेटाइजेशन जो ब्लैक मनी यानी कि काले धन को रोकने का तो एक रीजन था ही अभी जो इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है, वो ये है कि एनसीआरबी इसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल यानी कि देश के अंदर में जो भी क्राइम हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखने वाली एक ब्यूरो है ये ठीक है किस मंत्री के अंदर में आती है ये आप लोग बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री मिनिस्ट्री है उसके अंदर में आती है ठीक है अगर बात करें तो 60 प्रतिशत फेक जो अभी आज के मनी है मार्केट के अंदर में ये एनसीआरबी के द्वारा बताया गया 2021 का डाटा है यहां पर और वो नोट क्या है वो उसमें से 2000 के नोट आप लोगों को देखने को मिलेंगे यानी कि जितनी फेक करेंसी निकली है फेक करेंसी लगभग अभी यहां पर 2021 में 20 करोड़ रुपए निकली है 20 करोड़ कितना बड़ा आंकड़ा है समझ रहे हैं आप लोग यहां पर तो 20 करोड़ में से 12 करोड़ जो रुपए हैं वो 2000 के नोट निकले हैं यानी कि नकली करेंसी जिसको फेक करेंसी आप लोग बोलते हैं फेक करेंसी जो मार्केट में घूम रही है और यहां पर कई बार लोगों को पता भी नहीं रहता है तो ये 2000 के नोट है 2000 के नोट जो है आज के में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी विडंबना यहां पर यार ये है कि यहां पर इसको खत्म करने की बात की गई थी अब लोग यह बोल रहे हैं कि इससे कम जो नकली करेंसी थी वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर बात करें पुराने टाइम पर 2016 में फेक करेंसी जो थी वो 15 करोड़ थी 2017 18 19 20 में इनका आंकड़ा अलग अलग रहा हालांकि अगर बात करें 17 में 28 करोड़ थी ठीक है 18 में 17 करोड़ थी 19 में 25 करोड़ थी 20 में यहां पर ये काफी ज्यादा हो गई है तो 20 में तो कुछ ज्यादा ही हो गई थी ठीक है ये लगभग 92 करोड़ आप लोग समझ सकते हैं 21 में जो है लगभग 20 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है तो ये जो आंकड़ा है कई बार ये मनाते हैं कि फेक करेंसी जो है हमारे देश में जो खासकर पाकिस्तान से काफी ज्यादा यहाँ पर फेक करेंसी जो है सर्कुलेट की जाती है हमारे देश में ये कई सारे आंकड़े ऐसा बोलते हैं इसीलिए पाकिस्तान पर काफी नजर रखी जाती है फेक इंडियन करेंसी जो नोट्स हैं उनको मार्केट में सर्कुलेट करने से दिक्कत क्या होती है दिक्कत होगी लोगों का ट्रस्ट जो है वो करेंसी के ऊपर एक बार डगमगाना स्टार्ट हो गया तो फिर इसको इसको समेटना जो है वो मुश्किल पड़ जाता है तो ये यह यहाँ पर एनसीआरबी के द्वारा यहाँ पर डेटा सामने रखा गया आप लोगों को भी पता होना चाहिए जो हमारे करेंसी नोट है उनकी पहचान क्या है इसके ऊपर बहुत सारे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई के द्वारा लाए जाते हैं उनको आप लोग जरूर पढ़ा करो उनको जरूर देखा करो कि असली करेंसी की पहचान क्या होती है ताकि फेक करेंसी आप लोगों के पास में जैसी आए आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाओ और यहां पर मार्केट से उसको भगाओ तो ये आप लोगों की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय नागरिक होने के नाते ये ड्यूटी है आप लोगों की कि आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें वैसे ड्यूटी शब्द मेरे मुंह से निकल गया तो आप लोगों को ये बताना है ड्यूटी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे संविधान में रखी गई है वो पर्टिकुलर किस आर्टिकल में रखी गई है और कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि हाँ ड्यूटी भी रखो अधिकार तो हम लोगों ने दे दिए ड्यूटी भी होनी चाहिए कुछ तो ये आप लोगों को बताना है ठीक है तो बताइए देखता हूँ कौन सी आंसर देता है ये जो आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से एकदम वो मूवी नहीं थी मांझी मूवी कहता है कि बहुत गर्मी है तेरे अंदर बहुत बड़ा है तू देख कैसे निकालते हैं तेरा ये तो उसमें वो पत्थर फेंकता है तो फिर वो है जो उसके पहाड़ के ऊपर आग लग जाती है तो यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जियो एनर्जी के बारे में यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकलती है और इंसान इतने समझदार हो गए कि उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए तो यहां पर इसी के चलते अभी हमारे देश के अंदर में इंडिया का फर्स्ट जियो एनर्जी जो यहां पर प्लांट है वो लद्दाख के अंदर लगाया जा रहा है और कौन लगा रहा है इसको लगा रहा है ओ तो बहुत ही बेहतरीन और इमदा तरीके का ये आर्टिकल बन जाता है क्योंकि एक तो पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ हमारे देश में प्रॉपर वे में और इसका साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि एक नेचुरल है जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उसके अंदर से एनर्जी निकलती रहेगी तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स भी है यानी कि वो खत्म नहीं होने वाली है वो तो निकलेगी ही निकलेगी अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को कितना इस्तेमाल करना है जैसे इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप लोगों ने सुना होगा अक्सर पानी चलता है तो पानी चलता है तो टर्बाइन जो है वो घूमता है और टर्बाइन घूमने की वजह से फिर आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पैदा होती है ठीक है तो ये पूरा पैटर्न आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है वहां पर पानी से चलता है पर लेकिन यहाँ पर क्या चलेगा आप लोग देखते हैं ये यहाँ पर धरती के नीचे से इस तरीके से प्रॉपर एक गैस निकल रही है जियो एनर्जी अगर बात करें यहां से टर्बाइन को घुमा रहा है और यहाँ पर फिर आगे टर्बाइन घूमकर वो बिजली को जनरेट कर रहा है तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है एक क्वेश्चन में आप लोगों से यहां से पूछना चाहूंगा आप लोगों ने अक्सर इसके बारे में देखा भी होगा जनरल साइंस के अंदर बड़ा ही प्यारा सा पिद्दी सा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार और आप लोग इसमें फिर कंफ्यूज हो जा जाते हैं कि यार ये क्या हो गया तो इसके बारे में याद रखिएगा जब विंड टर्बाइन घूमता है या फिर कोई भी टर्बाइन इस तरीके से घूमता है तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहां पर कन्वर्ट हो जाती है सुना है ना ये कई बार आप लोगों ने पर वो काम जो पानी करते हैं उसको ट्रमाइन को घुमाने का यहाँ पर ये यह हीट करती है तो जो हीट निकल कर आती है यहाँ पर तो ये हीट इसको घुमाती है और इसके बेस पर जो है वो एनर्जी जनरेट होती है हीट कहां से निकलती है ये आप लोगों को पृथ्वी के नीचे से हीट निकलती हुई नजर आएगी इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा सुना कि आप लोगों ने एनसीआरटी में पढ़ा होगा बड़ा ही बेसिक सा है कि पृथ्वी के अंदर में आप लोगों को कई सारी प्रत देखने को मिलती है वो जो प्रत होती है उनके अंदर आप लोगों ने सुना होगा लावा मैग्मा सुना है ना ये सारे जब ज्वालामुखी फटता है तो अगर हम लोग उन एरिया में नॉर्मल तरीके से अगर बात करें जहां पर काफी आराम आराम से इस तरीके से एनर्जी निकलती है तो एक पूरा सिस्टम उसके ऊपर क्रिएट कर देते हैं इस तरीके का ठीक है हालांकि ये आसान नहीं होता है ये एक तरीके से काफी टफ होता है पूरा प्रोसीजर पर फिर भी फायदा इससे होता है कि उस एरिया में हम लोगों को अलग से खंभे बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोगों को नीचे से बिजली लेकर जानी है सोचो अब लद्दाख वाले रीजन में वहां पर उन लोगों के लिए एनर्जी जनरेट कर पाएंगे आराम से पहली इंपॉर्टेंट बात हमारी आर्मी के लिए जो नॉर्मली लद्दाख वाले रीजन में रहती है वहां पर डीजल से जनरेटर वगैरह चलाए जाते थे ठीक है तो अब वहां पर वो भी, भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा तो पोल्यूशन भी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये जो एनर्जी का जो सोर्स है ये काफी अच्छा है यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें से जो हीट निकलती है उसमें से जो स्टीम निकलती है टर्बाइन उससे रोटेट होते हैं और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो ये पूरा देखने को मिलेगा और इसी के साथ में जो वोटर होता है वो इंजेक्ट किया जाता है बैक टू द ग्राउंड रीजन क्या रहता है उसका उसका रीजन रहता है जो भी चीजें निकल रही है वहां पर एक वैक्यूम जो क्रिएट होता है उसको थोड़ा फिल किया जा सके तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये इस तरीके से बड़ी ही एक सिस्टेमेटिक वे में हमारे देश में जब ये चीजें लगाई जा रही है तो काफी फायदा अभी का आने वाले टाइम में आप लोगों को नजर आएगा तो ये जो टॉपिक है आप लोग यहां पर के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसी के साथ में एनर्जी या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग इसको देखकर चलते हैं तो आप लोग इसको जीएस पेपर थ्री के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो दोनों ही आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये बन जाते हैं टॉपिक तो कौन इंप्लीमेंट कर रहे हैं ओ यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कोपरेशन जो कि इसकी फुल फॉर्म है कहां पर लद्दाख के अंदर में जो कि अभी रिसेंटली नई नई ताजी ताजी एक यूनियन टेरिटरी बनी है ओ किसके साथ है, मिलकर काम कर रही है जो अभी नई यूनियन टेरिटरी बनी है उसके साथ में एक एमओयू साइन किया जा रहा है पर जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड इसी के साथ में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसमें यहाँ पर लेह के अंदर में तो लेह और लद्दाख वाला जो रीजन है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है तो इस तरीके से हम लोग प्लांट सेटअप कर रहे हैं ये एक पर्टिकुलर स्पेशल रीजन में है स्पेशल रीजन क्या है ये है पूगा वैली तो पूगा वैली अगर आप लोगों से पूछ ले कोई कहां पर पूगा वैली कहां पर आ रही है तो ये नॉर्मल सी बात है आप लोगों को लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगी ठीक है तो इस तरीके से भी आप लोगों का एक ज्योग्राफी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने तैयार हो गया अब इसी स्लाइड से देखिए आप लोगों के लिए कितने प्यारे प्यारे इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से निकल कर आ रहे हैं जैसे कि पूगा वैली सिचुएटेड इन पर बात की जा रही है किसमें चंथांग वैली ठीक है तो पूगा वैली कहां पर है चंथांग वैली में इसका मतलब चंथांग वैली भी कहां पर है लद्दाख के अंदर में और ये किसके पास में बाईस किलोमीटर लगभग यहां पर सोल्ट लेक वैली भी आप लोगों को देखने को मिलती है तो पूगा वैली चंथांग वैली और सोल्ट लेक वैली तो ये तीन पॉइंट आप लोगों के लिए यहां पर इंपोर्टेंट हो जाते हैं ठीक है जो कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं नेचुरल ब्यूटी जियोथर्मल जो है यहां पर एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है तो ये काफी सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए और एनर्जी देखिए अगर निकाल पा रहे हैं उसको ढंग से ट्रैप कर पा रहे हैं आप लोग ये सोचिए जैसे आप लोग एक यंग जनरेशन होती है एक नव युवक आप लोग होते हैं तो आप लोग के अंदर बहुत एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को अगर आप लोग ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे तो काफी सारी चीजें आप लोग लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं दो बच्चे हैं सेम एज के मान लीजिए उनकी एज जो है वो सोलह सोलह साल है या फिर अठारह अठारह साल है दोनों के दोनों बच्चे एक बच्चा ऐसा है जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कहीं वीडियो गेम खेल रहा है कभी किसी लड़की को ताड़ रहा है इधर उधर जाकर अपना इधर उधर टाइम वेस्ट करता घूम रहा है जितना वो कर सकता है एक बच्चा ऐसा है जो बैठकर प्रॉपर वे में अपने शेड्यूल बनाकर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है उसके बाद में अपना ढंग से अपनी पढ़ाई को अंजाम देता है और शाम को बैठकर एक बार रिव्यू करता है क्या क्या मैंने आज प्रोडक्टिव किया है अगर दोनों बच्चे एक पैटर्न में आगे बढ़ते रहेंगे ना तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में भले ही एक जैसे हो तो कुछ समय बाद आप लोगों को पांच सात साल बाद यहां पर इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ जाएगा उदाहरण के तौर पर बोलूं तो इंडिया और पाकिस्तान आप लोग देख सकते हैं यानी कि इंडिया जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में आगे चला अपनी आजादी के बाद में पाकिस्तान भी साथ में आजाद हुआ वो एक अलग पैटर्न में चलना स्टार्ट हो गया और आज देख सकते हैं कि इंडिया कहां पहुंच गया और पाकिस्तान जो है वो कहां रह गया ये लोगों की गलती नहीं है यहां पर यहां पर स्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट है सारी उसकी गलती है क्योंकि उसने कभी भी लोगों के ऊपर फोकस दिया ही नहीं है लोगों के ऊपर फोकस देने का मतलब क्या होता है एजुकेशन के ऊपर फोकस देना इसी के साथ में यहाँ पर इसी के साथ में हेल्थ के ऊपर फोकस देना अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस देना उनका पूरा फोकस ये रहा है कि कैसे इंडिया को पीछे छोड़ना है उसके पीछे ये लगे रहे सारा तो यानी कि जहां पर फोकस देना था वहां पर फोकस नहीं दिया तो इसलिए इंसान जो है अपने आप ही पीछे छोड़ गया तो कभी किसी के पीछे अगर आप लोग कभी किसी के पीछे नहीं लगना अपने पीछे लगना है आप लोगों को हमेशा जिंदगी में कि अपने आप को इंप्रूव करना है तो दुनिया आगे पीछे जाती रहेगी उससे मतलब ही नहीं रहेगा आप लोगों को कभी भी आप लोग तो नहीं हो सकते कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी सुन सबसे गरीब आदमी हो आप आप एक मिड जिंदगी में चेर चल रहे हो ठीक है तो अगर अपने से गरीबों को देखोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगी जिंदगी अपने से अमीरों को देखोगे तो आप लोगों को बुरी लगेगी तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कितना बैलेंस बनाना चाहते हैं तो ये जो बैलेंस बनेगा वही आप लोग की जिंदगी की एक पार्ट बढ़ाकर आप लोग को जाएगा तो यहां पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा अगर कल को कोई पूछे भी तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हैं देश का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट है मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर और इसी के साथ में ये ये काफी इंटरेस्टिंग है जो बात बोलने जा रहा हूं पहला ही बनाया और वो भी यहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है क्यों क्योंकि लद्दाख में हम लोग इसको बना रहे हैं पुगा वैली के पास में तो इसलिए वर्ल्ड का सबसे ऊंचा भी है अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी है कि जिंदगी में अगर कोई पहला कोई स्टार्ट करने वाला मिल जाता है कि हाँ इसने स्टार्ट किया तो लोग उसके पीछे चलने लगते हैं अभी हम लोगों ने पहला अपना स्टेब्लिश कर रहे हैं लद्दाख के अंदर में तो अभी आने वाले टाइम में हम लोग खोज रहे हैं और कहाँ पर ये काम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कहीं पर नहीं है हमारी कंट्री में अगर बात करें तो अलग अलग रीजन में हिमालयन रीजन में सहारन रीजन में आप लोगों को अलग अलग गोदावरी बेसिन वेस्ट कोस्ट या फिर महानदी बेसिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हम लोग काम कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि अभी आइडेंटिफाई किए गए लगभग तीन जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग ये पर्टिकुलर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है जिनका पोटेंशियल है कि इनसे दस हजार मेगावोट जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं तो सोचो कितने सारे लोगों के लिए हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है निकल के वो यहां से आती है कि एक ऐसा तरीका होगा जिसके बेस पर हम लोग जब पावर जनरेट करेंगे तो हम लोग कोई अलग से ढांचा नहीं क्रिएट करना है यहां पर कि हम लोग कोई ढांचा क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अलग से बैठकर ठीक है मतलब एक तरह से ना लंबे तार वार खींच के लेकर आ रहे हैं वैसे जिस एरिया में सोलर पैनल लगा दिया वहीं पर ही एनर्जी स्टार्ट हो जाती है ऐसे जहां पर ये जियो थर्मल एनर्जी पावर प्लांट लगाएंगे वहीं पर ही चीजें जो हैं वो आराम से स्टार्ट हो जाएंगी तो वैसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ये काफी प्रोमिनेंट कुछ लोकेशन है अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि भाई ये तो यार मेरे एरिया में है तो कम से कम आप लोगों को आइडिया होना चाहिए जैसे कि मनी करना मनी करना जो है पर ये मनी आप लोग बोल सकते हैं करना नहीं ठीक करन, है तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जलगांव ये महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को नजर आएगा तपोवन ये उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी के साथ में बात की जा रही है बाकरेश्वर ठीक है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर और तोवा ये आप लोग को गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा कि इस तरीके का कोई सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा आने वाले टाइम में ताकि अच्छे से हम लोग यहाँ से एनर्जी जो है वो उसको निकाल सकें तो ये पर्टिकुलर जो एरिया मैंने आप लोग को बताए हैं अगर इनमें से आप लोग कोई भी इस एरिया से आते हैं अच्छा कोई आप लोग जानते हैं अपने राज्य में यहाँ पर ये एरिया कहाँ पर है इसके बारे में सुना तो होगा ना आप लोगों ने तो ये आप लोगों को इसके बारे में एक हल्का सा कम से कम आइडिया रखना है तो ये आप लोग देखते हैं यहां पर कि जियोथर्मल मैपिंग भी हमारे देश के यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है जहां जहां पर ये लोकेशन आइडेंटिफाई की जा रही है कि हाँ पर हम लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं तो इस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर अगर कल को मैप पर मेंशन करने के लिए आ जाए यहां पर आप लोगों को कि बताइए कहाँ पर हम लोग ये चीजें जो हैं इसको क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी एक हल्का सा माइंड में आप लोगों लोग की खिलाड़ी रहेगी तो आप लोग इस चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो उसको भी आप लोगों को हल्का सा थोड़ देना है ठीक है

और फिर इसको डायरेक्टली यूज किया जाता है कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में की हेल्प से उसको घुमाकर जो अभी मैंने आप हाँ पर तो सिस्टम आप लोगों लोगों हाँ को 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 पर पर दिखाई तो सिस्टम इसका देखने मिलता है इसी के साथ में काफी क्लीन भी है सस्टेनेबल भी है क्योंकि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये चीज चलती रहेगी यह कार्बन फ्री भी है यहां पर इसी के साथ में यहां पर काफी आप लोगों को कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है इन्वायरमेंट फ्रेंडली किस लिए बोला जा रहा है क्योंकि पृथ्वी के अंदर से नॉर्मल सिस्टमेटिक वे में निकल कर आ रही है तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं तो एक तरीके से काफी पावरफुल एनर्जी का सोर्स है जिसको हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ढंग से इसको सही डायरेक्शन में लेकर चला जाता है तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है यहां पर कि ये पर क्यों कैसे बनती है ये पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी से हम लोग इसको निकाल कर लेकर आते हैं तो आप लोगों ने ये देखा पृथ्वी के अंदर से यहाँ पर ये यह निकल कर आ रही है एक पर्टिकुलर शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि ज्वालामुखी फट गया ठीक है तो यहां पर ज्वालामुखी फट गया तो उसमें क्या होता है मैग्मा होता है बेसिकली अर्थ के अंदर से वो मैग्मा बाहर निकलकर आता है उसी मैग्मा को जब वो सरफेस पे आ जाता है तो उसको लावा बोल देते हैं आप लोगों ने सुना ना कि स्कूल में क्या नाम है ये है घर पे क्या नाम है ये तो वही मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको मैग्मा माँ एक तरीके से बाहर लेके आ लावा ठीक है तो ये आप लोग समझ सकते हैं तो यहां पर ये पर्टिकुलर होता कहां से निकल के कहां से आता है देखिए पृथ्वी के अंदर ना बहुत सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि डीके होते रहते हैं आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा एनसीआर के अंदर में कि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है एक तरह से डीके होते रहते हैं उनमें से एनर्जी निकलती रहती है वही रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो आप लोगों को नजर आएंगे उनसे यहां पर ये हीट जनरेट होती है और जो कि पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती है आप लोगों ने देखा कि गुस्सा शांत कर ले गदाधारी भीम कई कई बार कई सारे इंसानों को गुस्सा आता है तो वो अंदर बैठे रहते हैं उसको लेकर कई बार घर में किसी की आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल किसी की डेथ रहते तो ये बोलते हैं कोई रो नहीं पा रहा है वो एक तरह अटक गया है रोते रोते तो बोलते हैं यार इसको रुला दो एक बार इसके अंदर का जो गम है वो बाहर निकल जाएगा ठीक है तो ऐसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा तो ये वही है कि ये हीट इसके अंदर जो रहती है वो बाहर निकलती है आराम आराम से काफी नीचे आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि मैग्मा रहता है मोल्टान मैग्मा के तौर पर बाहर निकलता है वो लावा के तौर पर जो कि आप लोगों को ये अंडरग्राउंड आप लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी के अंदर से निकल कर आता है तो ये कोर प्रोड्यूस करती है बेसिकली पृथ्वी में आप लोगों ने सुना होगा ना कि कोर हो गया मेंटल हो गया पहले कोर हो गया फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मेंटल हो गया फिर क्रस्ट हो गया सबसे बाहर तो यहां पर ये क्रस्ट से बाहर निकलती है और कोर से होती हुई नजर आती है एक मूवी है अगर कभी आप लोगों को टाइम मिले तो बहुत ही शानदार मूवी है मतलब मुझे मजा आ गया था बहुत पहले देखी थी मैंने मूवी का नाम है द कोर ठीक है वो मूवी आप लोग देखिएगा द कोर करके मूवी है उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि पृथ्वी के अंदर कैसी कैसी चीजें तो काफी शानदार तरीके से और सिस्टमेटिक वे में उसको समझाने की कोशिश की गई है आप लोगों को उस मूवी को देखकर मतलब मजा आ जाएगा आप लोग ऐसा बोल सकते हैं मतलब जो टाइम दोगे आप लोगों को लगेगा वर्थ इट था यार तो मूवी को देखेगा किस किसी ने देख रखी है आप लोग बताइए कई बार मैंने पहले भी आप लोगों को मूवी मूवी के बारे में बताया तो तो हल्का सा आप आप लोगों को होना चाहिए कि ऐसी ऐसी लोग टाइम लगे तो देख लिया करो एक शब्द आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ऐसे ही आप लोग यहां पर दो पहलू देखने को मिलेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जब बात करते हैं कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है पर लेकिन जिस चीज के ज्यादा फायदे हैं और कम नुकसान है उस चीज को हम लोग इस्तेमाल कर लिया करते हैं ऐसे यहां पर बात करते हैं जियो के बारे में सबसे बड़ी बात तो यह इसमें हम लोग कोयला गैस या फिर ऑयल तेल नहीं जलाना पड़ता है तो इससे एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनवायरमेंट को काफी ज्यादा फायदा रहता है कार्बन एमिशन जो है वो वन सिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि एक तरीके से ना के बराबर है अगर बाइनरी प्लांट लगा दें तो एमिशन बिल्कुल ना के बराबर यहां पर हो जाता है पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये अगर सूरज निकलेगा तो सोलर एनर्जी काम करेगी हवा चलेगी तो बिजी काम करेगी पर लेकिन ना सूरज निकलने की जरूरत है ना हवा चलने की जरूरत है भाई साहब गर्मी के अंदर की हीट आप लोगों को हमेशा नजर आएगी जैसे नहीं शरीर में से हीट निकलती रहती है तो वो आप लोग बोल सकते हैं पर खासकर ऐसे लोग जैसे जैसे कि मुझे क्या है थोड़ा सा ठंड वाला इलाका ज्यादा पसंद लगता है क्यों क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है तो अगर मैं नीचे जैसे कि अगर ना हिमालय मैं नीचे को जाऊँ इक्वेटर की साइड में केरला तमिलनाडु इधर साइड में जाऊँ तो मुझे जो है थोड़ा सा मतलब एक तरीके से गर्मी के टाइम में तो मेरी हालत खराब हो जाए पर लेकिन अगर मैं ऊपर को जाऊं जैसे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तो वहां पर कंफर्टेबल फील होता है तो ये बॉडी का जो ताप होता है ना कि एक तरीके से बॉडी का टेम्परेचर इसका ज्यादा रहता है इंसान का तो वाली चीज है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एनर्जी रहती है शरीर के अंदर में तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं तो यहां पर वो एक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वो आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है तो यहां पर ऐसा नहीं कि हवा चल रही है तो सूरज निकल रहा है ठीक है और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी है क्योंकि आप लोग कुछ करना ही नहीं पड़ा है तो इसके चलते अस्सी प्रतिशत तक का जो फोसल फ्यूल है उसके कंपेयर में हम लोग सेव कर सकते हैं जो हम लोग फोसिल फ्यूल यानी कि क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं वो सब चीजें चल रही है तो ये इसलिए काफी इंपोर्टेंट यहां पर हो जाती है पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू मैंने आप लोग को बताया तो इसका दूसरा पहलू क्या है वो ये है कि इसके अंदर से कई बार जहरीली गैस भी निकल जाती है कई सारी ठीक है उसमें से इतनी बुरी बदबू आती है जैसे सड़े हुए अंडे में से आती है लोग एक कॉन्सेंट्रेशन की रहती है कई बार जिससे कि प्रॉपर चीजें इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ठीक है इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर से कई सारे फ्लूट जो रहते हैं वो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं ठीक है तो कई सारी चीजें लोकेशन कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगी ढंग से उसको साइट को इस्तेमाल करना आसान नहीं रहता है तो ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं वरना इतनी सारे ऑलरेडी हमको पता है प्लांट ऐसा तो है नहीं कि हमको पता नहीं था फिर भी हम लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हमारे पास में कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग इनका अब तक प्रॉपर इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे कोई तो आप लोगों से पूछ बैठे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जियो एनर्जी जो है वो किन देशों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है तो जैसे मैक्सिको हो गया इटली हो गया केनिया ये सारे एरिया आप लोगों को नजर आएंगे कई सारे मैक्सिमम आइलैंड कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगी ठीक है के बारे में कुछ बातें बता देता हूं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी तो पब्लिक सेक्टर ये आप लोग को पेट्रोलियम कंपनी देखने को मिलती है जो कि 1955 में बनाई गई थी ऑयल एंड गैस डिवीजन के तौर पर।, हाँ पर, तो हाँ पर अगर बात करें यहां पर तो अंडर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर अगर बात करें चौदह अगस्त उन्नीस के अंदर में यहां पर इसका रीनेम कर दिया गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और फिर कमीशन से इसको यानी कि कंपनी के तौर पर बना दिया नाइनटीन में 1997 में ये नवरत्ना बन गई और 2010 में ये महारत्ना अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है तो यानी कि काफी एक शानदार कैटेगरी कंपनी है हमारे देश के अंदर में जो कि एनर्जी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है देश में पूरा करने का तो इसके बारे में मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें आप लोगों को बता दी कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है कैसे निकाली जाती है हमारे देश में कहां पर कहा प्लांट लगा रहा है कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन भी हम लोगों ने देख ली हमारे देश में कहां -कहां पर पाई जाती है कुछ बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लिया और ओ के बारे में भी जान लिया तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अब आप लोग प्रलिम्स का भी क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू में भी कोई आप लोगों से पूछे बता सकते हैं बातें और इसी के साथ में आंसर राइटिंग भी आप लोग कर सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी ठीक है तो यहां पर अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है है अटेम्प्ट कीजिए देखता हूं कौन सी आंसर देता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये आइडेंटिफाई किया गया इंडिया के अंदर में जियोथर्मल एनर्जी को ठीक है तो यहां पर आप लोगों को बताना है कहां, कहां पर है एक बोला गया यहां पर सैन नर्मदा तोपी लाइनमेंट जो बेल्ट है वेस्ट जो कोस्ट है गोदावरी जो बेसिन है और ईस्ट जो कोस्ट है तो सही आंसर यहां पर क्या है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कहां कहां पर हमारे देश में चीजें देखने को मिल सकती है यहां पर राज्य नहीं यहां पर एरिया पूछ लेके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है जैसे यूपीएससी आप लोगों से पूछती है आंसर अगर देखेंगे आंसर यहां पर ए है क्योंकि ईस्ट कोस्ट नहीं है यहां पर वेस्ट कोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यानी यह कि यहां पर ये यह वाली स्टेटमेंट गलत है बाकी की तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है तो आंसर ए हो गया लेकिन थोड़ा सा और बोलते कि इनको बताओ कौन कौन से राज्य में हाँ पर ये जाती है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है यूपीएससी के द्वारा लोगों से 2013 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि बोला गया कि यहां पर ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो रेडिएशन है इसी के साथ एनर्जी हाँ है ग्रेवेशनल फोर्स है प्लेट मूवमेंट है रोटेशन ऑफ द अर्थ है और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो विच ऑफ द अबव फॉलोइंग फोंगल टू ब्रिंग एक तरीके से यानी कि बाहर लेकर आता है डायनामिक चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो भी यहां पर एक तरीके से चार्ज होता है जो हीट होती है उसको बाहर लाने का काम करता है तो अगर इनको देखोगे तो ये सारे के सारे जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम के प्रोसीजर का पार्ट है तो यानी कि सारे के सारे जब ये काम करते हैं तो उसी के बेस पर यहां पर जो चार्ज है वो बाहर आते हैं तो आंसर यहां पर डी हो गया यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर सही है तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ठीक है तो ये था पूरा आर्टिकल अगर इससे आंसर राइटिंग के लिए आप लोग क्वेश्चन दे दू तो ये मत बोलेगा कि यार नहीं लिखा जाएगा ठीक है तो पूरा अच्छे से आप लोग कीजिएगा और इसके चलते यहाँ पर आप लोग प्रॉपर वे में जो प्रिलिम्स के क्वेश्चन है वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे एक बेसिक जनरल साइंस के अंदर जो आप लोगों से जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पूछ ले तो वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया ठीक है तो इस तरीके से टॉपिक को क्लियर करके चलो जिसके अंदर कई सारी चीजें कवर हो जाती है ओ भी देख लिया सारी चीजें हम लोगों ने देख ली तो कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना फीडबैक देकर ओके गंगा रिवर से रिलेटेड बहुत ही शानदार आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा इसी के साथ में पर्टिकुलर एक वीक के बारे में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए बनाए गए हैं वो भी क्वेश्चन होंगे तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से पूरा मैं आर्टिकल डिस्कस आप लोगों से करने वाला हूँ यहाँ पर डिटेल में बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है सोलह में वो भी मैं डिस्कस करूंगा एक वीक सप्ताह के बारे में हम लोग बात करेंगे नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे यहां पर जो अर्थ गंगा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे तो यानी कि उमदा आर्टिकल रहने वाला है हर तरीके क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं और क्वेश्चन अपनी जगह यार बींग सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय नागरिक होने के नाते गंगा रिवर को कैसे हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे इस्तेमाल करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग एक तरीके से सस्टेनेबल यूज हम लोग को करना है ताकि गंगा रिवर जो है वो ऐसे ही पवित्र रहे जैसी वो है उसको बर्बाद न करें तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्थ गंगा ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं

ये ऑर्गेनाइज कराता है वर्ल्ड वोटर वीक एवरी ईयर ताकि ग्लोबल वोटर कंसर्न को समझा जा सके पानी आप लोगों ने सुना होगा कि पानी हर जगह है पर लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है नहीं एक तरीके से वोटर एवरीवेयर पर नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक तो यानी कि हर जगह पानी है पर लेकिन आप लोग उसको पी नहीं पा रहे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो इसके चलते जरूरी है कि उसके बारे में बातें कीजिए किसी महान पर्सनैलिटी के द्वारा बहुत पहले बोला गया था कि तीसरी वर्ल्ड वार जो है वो पानी के लिए होगी और कहीं ना कहीं इसके कई कही जगह आप लोगों को चीज़ें भी देखने को मिलती हैं साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है कि भाई साहब मेरा पानी है सारा ठीक है तो कई सारे देश वैसे लड़ रहे हैं पर्टिकुलर एरिया को लेकर ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर पानी के ऊपर इंटरनेशनल कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है और राज्य लड़ रहे हैं नदियों की पानी को लेकर बहुत लंबे समय से तो ये हो सकता है ठीक है तो वीक कितना कब से कब तक सेलिब्रेट किया था पहले तो ये वीक बताइए आगे तो डिस्कस तब तक एक बार आप लोग ट्राई मार लो अगस्त के महीने में इतना तो तो बताइए ठीक है है आप लोग एक बार ट्राई लो ओके प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर जिसका नाम है अर्थगंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि बताओ भाई कौन इसको सपोर्ट करता है तो देखिए यार हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाकर अपने आप ही इंप्लीमेंट कर दें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट करती हुई मिलेगी और यहां पर सपोर्ट करने वाला है वर्ल्ड बैंक चाचा ठीक है तो वर्ल्ड बैंक चा ने हम लोगों को पैसे दिए कि भाई साहब लो ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करो गंगा को सुधार लो और इसके चलते अपनी चीजों को अच्छे से एंजॉय करो एक मूवी है अक्षय कुमार की मूवी का नाम है नमस्ते लंदन ठीक है उसमें कैटरीना कैफ है वही मूवी है क्या कैटरीना कैफ ही है ना वो नमस्ते लंदन वाली जिसमें वो कैटरीना कैफ जो है वो आती है पंजाब के अंदर में तो वहां पर उसकी जो माँ होती है मतलब बैठे हुए कई सारी जो औरतें हैं बुजुर्ग औरतें कई सारी बातें करती रहती हैं तो पर कहते हैं कि हमारी जो लड़की है वो गं, गं, वो वो थेम्स 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 की तरह पवित्र है थेम्स, तो थेम्स जो है है ठीक तो जो लंदन में आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी वो इतनी गंदी रिवर हुआ करती थी एक टाइम पर भाई साहब उसके चढ़ते थे पोल्यूशन के दूर दूर तक और आज की डेट में उसमें झांकोगे ना जाकर आप लोग तो उसकी तलहटी देख सकते हो इतनी क्लीन एंड क्लियर उन्होंने उसको क्लियर करके रखा है तो हम लोग भी गंगा को उसी पैटर्न में लेकर चलने की कोशिश करें क्योंकि हमारे यहां भी इसको एक पवित्र रिवर की तरीके से माना जाता है तो यानी कि थेम्स जो है वो लंदन की गंगा बोल सकते हो आप लोग उसको तो उसको क्लियर करने के लिए यहां पर बहुत ही एफर्ट उनके द्वारा लगाए गए तो सेम एफर्ट हम लोगों को लगाने पड़ेंगे गंगा रिवर को क्लियर करने के लिए रीजन क्या रीजन यहाँ पर यह कि क्योंकि देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को गंगा को क्लीन करना है तो गंगा को क्लीन करना है पर लेकिन बात यहाँ पर यह निकल कर आएगी कि गंगा जो है वो किसी एक राज्य के अंदर नहीं आती है कि बैठा दो एक राज्य को भाई साहब ये राज्य उसको क्लीन करके दे देगा और चीजें निपट जाएगी नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा वो अलग अलग राज्य से होकर गुजरती है कई सारे पुल उसके ऊपर बने हुए हैं इसी के साथ में कई सारे जो त्यौहार वगैरह हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके साथ में गंगा के साथ में कनेक्ट है उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे एरिया जिसमें से ये होकर गुजरती है बिहार वेस्ट बंगाल इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसकी यमुना ट्रिब्यूटरी वो कितनी पोल्यूटेड है उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जरूरी है कि उत्तराखंड से लेके जब वेस्ट बंगाल से होती है गंगा रिवर जो है जब बेव बंगाल में जाकर गिरती है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कनेक्ट होती चली जाती हैं तो उसको क्लियर करने के लिए सारे राज्य को पहले तो साथ में आना पड़ेगा क्योंकि तब हम लोग कर पाएंगे। आप लोगों अलग-अलग फेस्टिवल जो है, उसका जो कचरा है वो बहा जाता है उनको देखना पड़ेगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं झोड़ बनाते हैं तालाब है ठेके? तो वहां पर एक शौचालय बनाएंगे उसके लिए खड्डा नहीं खोदेंगे उसका पाइप सीधा तालाब में डाल देंगे चलता रहे ऐसी सिचुएशन आप लोग पर समझ सकते हैं तो ये ऐसे एरिया है जिनके ऊपर काम करना काफी जरूरी है और वो भी सिस्टमेटिक वे में तो इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर बात किया गया था जब यहां पर बात की गई थी 2019 में नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में कानपुर के अंदर 2019 में मीटिंग हुई थी तो यहां पर गंगा को कैसे हम लोग एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं तो ये आज से मॉडल नहीं यहाँ पर पुरानी गवर्नमेंट ने खूब एफर्ट लगा लिया गंगा को क्लीन करने के पर लेकिन वही है बोल बोल के चले जाते हैं एग्जैक्टली exactly सिचुएशन जो है वो सही होती है यहाँ पर नजर नहीं आती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो जरूरी है गंगा का क्योंकि एक राज्य की रिवर नहीं है अलग अलग राज्य की है और कैसे एक बैलेंस बनाकर चला जा सकता है वो भी देखना पड़ेगा तो उसी के चलते अर्थ गंगा मॉडल यहाँ पर लाया गया है ताकि गंगा का इस्तेमाल जो है उस तरीके से किया जा सके ताकि लोगों के लिए यहाँ पर ये अच्छे इकोनॉमी का भी काम करें सोचो अगर गंगा रिवर का पानी जो है वो प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एक्वाकल्चर के लिए यानी कि मछली पालन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर इसका अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपना जो वाटर वेज के लिए यानी कि पानी के अंदर में जल परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अच्छे से पानी के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं तो सिस्टमेटिक वे में एक इकोनॉमी को कितना ज़्यादा फायदा होगा तो ये एक ब्रिज बनाने की बात की जा रही है रिवर के बीच में और लोगों के बीच में ताकि लोग इसकी इंपोर्टेंस समझें आप लोग एक बात समझिए हम लोग ज़्यादातर किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं जिस चीज़ की ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं होती है आप लोग देखिए जब घर में मान लीजिए आप लोगों को सेविंग करनी है खासकर लड़कों को जिसके दाढ़ी आ रखी है मुंछ आ रखी है या फिर आप लोग बोल सकते हैं चलिए सेविंग तो चलो मुँच दाढ़ी वाली बात होगी ब्रश करते हैं ठीक है ब्रश तो आप लोग सब करते होंगे ना ठीक है आप में से कितने ऐसे ऐसे फैमिली है जो सुबह शाम ब्रश करते हैं ठीक है कुछ ऐसे होंगे जो एक टाइम करते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं कि शेरों के मुँह किसी ने धोए हैं ठीक है भाई साहब कुछ दिनों में ना दांतों में कीड़े लग जाएंगे मुंह में से बदबू आएगी और सड़के गिर जाएंगे ठीक है तो के मुंह धोया वो वाली बातें मत बोलो मॉर्निंग में एक बार को ब्रश जो है वो एक बार को आप लोग देख लो कि आप लोग करना है नहीं करना है हाल तो मैं बोलूंगा दो टाइम एटलीस्ट ब्रश करो मॉर्निंग में उठती और एक सोने से पहले पर लेकिन सोने से पहले ब्रश जरूर करना है क्यों क्योंकि जब आप लोग सोने जाते हैं तो कई घंटों तक आप लोगों का मुंह बंद रहता है तो मुंह में अगर जरा सा भी कोई रोटी का पार्टिकल कोई भी ऐसा कुछ सामान आप लोगों ने खाया सोते से पहले वो जाड़ दांतों में फंसा रहेगा और उससे आप लोगों के दांत जो है खराब हो सकते हैं ठीक है तो इसलिए यहां पर बोलाते हैं कि सोते टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में उठते टाइम तो जब आप लोग उठोगे दिन में दो चार बार पानी पियोगे कुल्ला करोगे कुछ और खाओगे तो वहां पे एक बार को फिर भी चीजें चल जाती हैं पर लेकिन दोनों जगह कर लोगे तो वो बेस्ट है तो ये जरूरी है तो इससे तब आप लोग चीजों को क्लियर कर पाओगे ठीक है तो ये आदत होती है इंसानों की जब आप लोग एक आदत को डेवलप इस तरीके से कर लेते हो तो यहां पर अगर बात करें एक करेंड ब्रश करते टाइम जब आप लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं कई बार हम लोग क्या करते हैं हम लोग उसको टैप को खुला छोड़ देते हैं ठीक है तो ये एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं रहता है पानी चलता रहता है पानी चलते रहता है, है और जब यहाँ पर ब्रश कंप्लीट हो है तब पानी को हम लोग बंद करके आते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं कि बाल्टी भरनी है पानी चला देंगे उसमें पानी निकल रहा है वहां पर वो खिंडे जा रहे हैं ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी अगर गांव में आप लोग जाते हैं तो गांव में समर से भी लग चुके हैं झाड़ू नहीं लगाई जाती है पानी से साफ कर दिया जाता है सब जगह पानी डाल के तो वो गोबर तक का भी पानी को जो है वो नाली में बहा दिया जाता है ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो सारा बहाकर कहाँ जाता है किसी नदी नाले में जाकर गिरेगा वो तो ये सारी चीज़ें दिखकर आती हैं कहीं ना कहीं जो बाढ़ आती है उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम लोग गंदगी इतनी फैलाते हैं पोलिथीन वगैरह इतना इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से अप टू द मार्क सोल्यूशन नहीं निकल पाते हैं तो ये हमारी ही गलतियां हैं जो हम लोग को सुधारनी है अगर रियलिटी में हम लोग चाहते हैं तो अगर बात करें फीचर्स क्या क्या है प्रोजेक्ट के तो सात सॉरी छह एरिया पे काम करने वाले हैं यानी कि छह इसके बुझाए हैं जो कि ये सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट किया जाएगा जिसका नाम है अर्थ गंगा सबसे पहले तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सबसे बड़ी बात क्या है जो केमिकल हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं सोचो आप लोग अभी एक थोड़ा सा फोकस दीजिएगा दिमाग पर डालकर थोड़ा एक पर्टिकुलर एरिया है बिहार ठीक है बिहार में क्या है यहाँ पर खेत कर रहे हैं लोग खेतों में जो है कुछ गेहूं अनाज सब उगा रहे हैं एक तरीके से गन्ने लगा रहे हैं ठीक है जो भी फसल उगाते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ उन्होंने खेतों में दवाइयाँ डाल रखी हैं बड़ी खतरनाक वाले कीड़ों को मारने के लिए ठीक है उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसी टाइम पर वहाँ क्या होता है बाढ़ आ जाती है ठीक है वो बाढ़ जो है वो खेतों का सारा पानी बहाकर जो है जो उसमें दवाइयाँ डाली है सब जाकर मिक्स कर देती है सब जगह और फिर जाकर एक प्रॉपर रिवर में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं घरों में गांव में पता नहीं कहाँ कहाँ वो चीज़ें पहुँचती हैं उसके अंदर जानवर भी उसके अंदर इंसान भी कई बार मर जाते हैं पानी के अंदर पानी इतना जहरीला हो जाता है तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, वो भी को सुलू, का काम करेगी क्योंकि ना हाँ कर ठीक है गोबर की फॉर्म भी है प्रॉपर यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताई देखता हूं किस किस को याद है गोबर की फॉर्म घर पर पूछेगा गोबर की फॉर्म बताओ तो आप लोगों के मुंह पर गोबर लगेगा ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ठीक है एक बार सर्च कर लेना तो बड़ी बात क्या है बड़ी बात यहाँ पर होगी पहले तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है दूसरा बात की जा रही है मोनेटाइजेशन एंड रियूज ऑफ द सलेज एंड द वेस्ट वाटर जो भी गंदा पानी निकल कर आता है उसको ऐसा नहीं कि गंगा के रिवर में बहा दो नालों में बहा दो अपना पानी अपना पीछा छोड़ा नहीं घर में से कचरा निकाला रोड पर फेंक दिया क्यों हमारा घर साफ है पर रोड भी तो तुम्हारी है पृथ्वी तुम्हारी है ऐसा लग रहा है कि तुम किसी और ग्रह के प्राणी हो पृथ्वी को धंधा कर दो ऐसे नहीं हुआ करता तो वो सारी चीजें तो इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटी यानी कि गंगा को इस तरीके से देखना है क्या हम लोग वहां पर कोई अच्छे से चीजों को क्रिएट कर सकते हैं तो बात की जा रही है कई सारे प्लांट लगाए जा सकते हैं आप लोग ऐसा बोल सकते हो ठीक है कई सारे प्रोडक्ट सेल किए जा सकते हैं मेडिसिनल प्लांट आप लोग बोल सकते हैं आयुर्वेदा के तरीके से तो अर्थ गंगा इसको भी इंक्लूड करके चल रहा है ठीक है पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी वो नहीं एक तरीके से सब मिलकर काम करेंगे तो जैसे कि आप लोग सोच सकते हैं कोई हम हमने बोला कि पेड़ लगाने अब मैं बोलूं कि चलो यार पेड़ लगाएंगे एक पर्टिकुलर डे डिसाइड करके अब मैं बैठकर कितने पेड़ लगा सकता हूं मैं बैठकर एक पेड़ लगा लूंगा दो पेड़ लगा लूंगा पर लेकिन हमारी एस फैमिली जो है वो वन मिलियन से ऊपर है मैं बोलूँ कि सबको एक एक पेड़ लगाना है तो देखते देखते एक लाख पेड़ लग गए ठीक है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं पड़ेगा तो ये कहते हैं टीम वर्क तो यहां पर जब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है ना तो हाथों ही हाथों में देखते ही देखते काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो ये है जरूरी जिसके ऊपर काम करना इसी के साथ में प्रमोट करना एक कल्चर हैरिटेज और टूरिज्म गंगा को देखने के लिए कई सारे लोग दूर दूर से आते हैं गंगा पर कुंभ का मेला लगता है गंगा पर कांवर यात्रा आप लोगों को देखने को मिलती है योगा के कई सारे शिविर चलाए जाते हैं स्पोर्ट एडवेंचर वहाँ पर टूरिज्म बोट डेवलप करके एक तरीके से एक पैसा कमाने का साधन बनाया जा सकता है जिससे कई सारे लोकल एरिया के जो लोग हैं उनके लिए रोजी रोटी बन जाएगी आप लोग समझ सकते हैं उन लोगों के लिए खाना एक तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ भी लोग एरिया ले रहे प्रोडक्ट वो बेच सकते हैं वहां पर आकर तो इस समझ सकते हैं तो ये सारे एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू ये सारे फीचर्स इसलिए बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो यहां से बनी सकता है इसी के साथ में आंसर राइटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है आप लोगों के द्वारा ये ठीक है तो इसलिए याद रखिएगा प्रमोट करना इंस्टीट्यूशनल जो बेसिकली बिल्डिंग है यहां पर करना लोकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्योंकि जब तक एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम नहीं करेगा ढंग से वो करप्शन फैलाएगा तब तक जो है ये ऐसी कोई भी चीज जो है आप लोग अचीव नहीं कर पाओगे तो उनका पार्टिसिपेशन जरूर है तो छह के छह जो वर्टिकल्स हैं ये काफी इंपोर्टेंट है इसको प्रॉपर फीच प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया इस प्रोजेक्ट का आप लोग देखें यहां पर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर दी यहां पर अभी आप लोगों से फीचर बताया अब सिग्निफिकेंस है तो एक अच्छा आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन दिया जाए से एक तो यहां पर काफी होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है मैंने इस्तेमाल कर लिया और ऐसे इस्तेमाल कर लिया कि आने वाले जनरेशन के लिए भी छोड़ दिया ऐसे नहीं कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया पेड़ लगाए दस दस पेड़ काटे तो दस पेड़ खड़े हो गए ठीक है अगर ग्यारह पेड़ लगा दिए तो और अच्छी बात है बारह लगा दी और अच्छी बात है तो ये सस्टेनेबल होता है यानी कि जितना बर्बाद करो उससे ज्यादा बना दो तो इसके चलते यहां पर ये सस्टेनेबल के बारे में बात कर जा रहे हैं और इसी के साथ में लाइवलीहुड के बारे में बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक जो है यहां पर ये बोल रहा है अगर ये प्रोजेक्ट ढंग से इंप्लीमेंट हो जाता है तो 100 से लेकर 150 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगी पर इंडस्ट्री यानी कि जितनी भी इसके आसपास में इंडस्ट्री है हर एक इंडस्ट्री में इतने लोगों को जॉब मिलेगी और सोचो यहां से कितने सारे राज्य से होकर ये रिवर गुजर रही है कितनी सारी इंडस्ट्री है कितने सारे लोगों को जॉब मिल सकती है यहाँ पर इसको प्रॉपर वे में ट्रीट करने के लिए तो इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा लोकल कम्युनिटी इकोनॉमिक ग्रोथ और इसी के साथ में और भी काफी बड़े इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब रिवर का पानी जो है वो साफ रहता है तो यहाँ पर आसपास वाले एरिया में बीमारी फैलने के भी चांसेस जो है वो काफी कम रहते हैं ठीक है तो इसके लिए यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट जो एरिया के जो लोग हैं उनको मिलकर काम करना पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन और ऑफ डूइंग बिजनेस वो तो मैंने बताया यहाँ पर और फार्मरों के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होगा जो किसान है आसपास वाले एरिया में जो गंगा का पानी इस्तेमाल कर खेती बाड़ी करते हैं तो तो ये आप लोग समझ सकते हैं तो एक प्रोजेक्ट का कितने ज्यादा फायदे हो सकते हैं वो आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि यही प्रोजेक्ट है पहले भी काम किया सके है। बिल्कुल ऐसे ऐसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी पर लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम है आपर, प्रोग्राम, यहां पर जैसे नमामि गंगा प्रोग्राम इंटीग्रेटेड जो कन्वर्जन मिशन ये यहां पर फ्लैगशिप प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया बोला गया था कि दो 19 तक का बोलते हैं कब तक का कि कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर ट्विन ऑब्जेक्टिव थे इफेक्टिव यहाँ पर जो हम लोग खत्म करना था यहाँ पर कंजर्वेशन करना था ऑफ़ पर जो रिवर गंगा का. जल के में है, और बीस हजार करोड़ रुपए पर बनाया गया दो प्रोजेक्ट के लिए जो रिवर गंगा के ऊपर आप लोगों को कई शब्द यहाँ पर ऐसे लगेंगे जो सर से उतर गए पहले तो सेंट्रली फंडेड गवर्नमेंट सारा पैसा देगी पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू नॉन लेपेबल यानी ये जो फंड है जो एक बार दे दिया ये कहीं जाएगा नहीं ये ही पड़ा रहेगा इसका इस्तेमाल ही करना है मतलब मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को मुझे 500 सौ रुपए देने ठीक है ठीक है? है तो मैं आप लोगों को 500 सौ रुपए दूं तो एक तरीके से और बोलो कि आप लोगों को लोकल एरिया में किसी भी बच्चे को जो है किताबें आप लोग दे देना बुक्स वगैरह ठीक है तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर किताबें दी मान लीजिए आप लोगों के पास में ढाई सौ रुपए बच गए आप लोग मेरे पास में है कि सर ढाई सौ रुपये बच गए इनको ले लो मैं बोलूंगा नहीं ये नॉन लेपसेबल है यानी कि ये आप लोगों के पास में ही रहने वाले हैं अब फिर आगे मान लीजिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बारह दस वो सॉरी एक हजार रुपए दे दिए तो ये टोटल जो है आप लोगों के पास में बारह रुपए हो गए आप लोगों ने इसमें से पाँच सौ इस्तेमाल कर लिए तो जो बचेंगे फिर मैंने मान लीजिए हज़ार रुपये दे दिए तो आप लोगों को वो ऐड होते चले जाएंगे यानी कि ऐसा नहीं कि वो वापस मेरे पास में आ जाएंगे नहीं वो वापस नहीं आएंगे वो इस्तेमाल किया सकते हैं तो ये लैप्स नहीं होंगे ऐसे बोल सकते हैं ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर मेन पिलर के यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने रिवर सरफेस क्लीनिंग करनी है अफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने इंडस्ट्री को देखना है गलत चीजें न डाले रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना है अगर आप लोग गुजरात के अंदर जाओगे ठीक है तो आप लोग अहमदाबाद के अंदर जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कितने शानदार तरीके से रिवर का जो फ्रंट है वो डेवलप किया गया है कौन सी रिवर है साबरमती आश्रम गए हो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर शानदार तरीके से यहां पर उसको डेवलप किया गया है देखना कितना खूबसूरत लगता है यहाँ पर वो ठीक है तो इस तरीके से अगर डेवलप कर दिया जाए तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा बायोडावर्सिटी पब्लिक अवेयरनेस और इसी के साथ में गंगा ग्राम बहुत सारे गाँव भी आप लोगों को गंगा रिवर के ऊपर देखने को मिलेंगे तो उनके ऊपर भी काम करना जरूरी है तो यार ये ऐसी चीजें हैं घुमा फिरा के एट द एंड ऑफ द डे तो है तो अवेयरनेस ही लोगों को पता होगा तो लोग इंप्लीमेंट करेंगे नहीं पता होगा तो नहीं करेंगे तो जरूरी है कि इंप्लीमेंट किया जाए अवेयर करा के ठीक है वर्ल्ड वाटर वीक भी मैंने आप लोगों से बोला था तो तेईस से लेकर सत्ताईस अगस्त तक यहाँ पर सेलिब्रेट किया था इसको बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है पर जो जो रोल प्ले करता है पानी आप लोगों को पता है डे बाई डे की लाइफ में तो बात की जा रही है सींग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर तो ये जरूरी है यहाँ पर कि हम लोग पानी को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर हम लोग ढंग से देखेंगे तो हम लोग कुछ ऐसी चीज दिखाई देंगे जो कभी किसी ने देखी नहीं होंगी क्योंकि पानी की वैल्यू ही ऐसी है तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड से ट्वेंटी सेवंथ अगस्त तक यहां पर ये पर्टिकुलर वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है तो इसी से रिलेटेड है ये वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है तो वर्ल्ड वोटर वीक ये स्टोक होम इंटरनेशनल वोटर इंस्टीट्यूट जो है वो यहां पर पार्टिसिपेट करता है इसको प्रोपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए तो इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए ठीक है तो कोनो कन्फ्यूजन ना होना चाहिए भैया ठीक है भाया ठीक है <laughs> सही है आगे चलते हैं क्वेश्चन है आप लोग के सामने मैं आशा करता हूं इसका शानदार तरीके से आप लोग आंसर दोगे बात की जा रही है अर्थ गंगा के बारे में बात की जा रही है रीयूज ऑफ द स्लच एंड द वेस्ट वाटर जो होता है तो उसको किस तरीके से लेकर चलना है प्रमोट करना है कल्चर और हेरिटेज टूरिज्म इंक्रीज करना है पब्लिक पार्टिसिपेशन और जीरो बजट के बारे में बात की जा रही है तो कौन से फीचर हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तो ये फीचर जो मैंने आप लोगों को छः फीचर बताए हैं तो उसमें से चार यहां लिखे हुए क्या ये चारों के चारों करेक्ट है जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है आंसर आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया गया डी फिर से वही बोलूंगा यार वीडियो को पोस्ट कर लेना बार बार बोलना सही नहीं लगता है ठीक है पर लेकिन आप लोग वीडियो को पोस्ट करके आंसर दोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों की सेहत के लिए ठीक है प्रोजेक्ट जो अर्थ गंगा है यहां पर प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनके द्वारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट और ये यहां पर ड्यूरिंग द सेकंड नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग जो कि कानपुर में हुई थी 2019 में प्रोजेक्ट जो है ये असिस्टेड किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो ये कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर करेक्ट देखने को मिलेगी सॉरी ठीक है तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट देखिए इंटरेस्टिंग क्या है यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि पता होते होते भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो गलत कौन सा है अगर एक सेकंड यार कहा गया गलत कौन सा है अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूँ स्टेटमेंट पढ़ लो ढंग से ये क्या लिखा हुआ है सेकंड सेकंड नहीं था ये फर्स्ट थी ठीक है तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और यही पूछा गया सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है पर लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया तो यहां पर फर्स्ट थी यहां पर ये नेशनल जो गंगा काउंसिल की मीटिंग तो ये आप लोग याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर बन सकते हैं और वर्ल्ड बैंक तो असिस्टेंस प्रोवाइड करा ही रहे तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया था ना इसका बेसिक पर्पज ये तो आप लोग टॉपिक को ढंग से अंडरस्टैंड कर सको क्योंकि क्वेश्चन अगर एक बार को अटेप कर लिया तो फिर टॉपिक आप लोग की मुट्ठी में हो जाता है

ठीक है आंसर दीजिए पहले आप लोग ए में बोला गया वन एन टू बे बोला गया ट्री से बोला गया वन एंड थ्री डी बोला गया ऑल ऑफ द अब सही आंसर क्या है तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस इसी पे दिया उदाहरण दे देकर समझा तो ये स्टेटमेंट क्या होगी ये गलत होगी आंसर यहां पर ए हो गया ठीक है तो ये नॉन लेप्सिबल फंड आप लोगों को देखने को मिलेगा तो बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए अगर होगा तो पूछ लेना इसी बात के लिए हम लोग बैठे हैं ताकि कंफ्यूजन दूर किया जाए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं इसको पूरा टॉपिक बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन वैसे है पर मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक कवर करा देता हूं पूरा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में एक पूरा टॉपिक हो जाएगा क्वेश्चन को को आप आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए फिर मैं डिटेल में बता देता हूँ बोला गया कि रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट दूसरा बोला गया यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जी सी के रिलेटेड है यहां पर ये ठीक है तो बेसिकली बोला गया यहाँ पर जो स्पेयर हेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल ठीक है तो नेशनल लेवल पर कंजर्वेशन परेशन जा रहा है वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रू गंगा जो फ्लो होती है तो वो चेयरमैन बनता है इसका ठीक है रोटेशन बेसिस पर सही आंसर क्या है ए में बोला गया वन एंड टू बी बोला गया टू एन थ्री बोला गया वन एंड थ्री डी बोला गया ऑल ऑफ द अबो वीडियो को पोज कर कर एक बार आप लोग आंसर दे लो फिर मैं आप लोगों को डिटेल में इसको समझा देता हूँ पूरा एक टॉपिक की तरीके से क्योंकि एक टॉपिक है पूरा अलग से जिसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछ चुकी है अटेम्प्ट कर लो अच्छे से ठीक है तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ही है कि चेयर कौन करते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर करते हैं ठीक है तो चेयर ये नहीं करते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो आंसर क्या हो गया आंसर अगर सीधे सीधा बोले तो आंसर ये हो गया अब बात करता हूं डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी फाइनेंस प्लानिंग इंप्लीमेंट मोनिटर और कोऑर्डिनेट करने वाली है गंगा रिवर को कैसे अच्छे से लेकर चलना है फिलहाल के टाइम पर यह जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आता है पर लेकिन स्टार्टिंग से ही जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं था तो 2014 में हमारी कंट्री में जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई उससे पहले ये जो था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वॉर्मेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता था पर लेकिन इनको लगा यार पानी की बात की जा रही है गंगा रिवर की बात की जा रही है तो इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में लाते हैं तो फिर इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में ला दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को पता है हमारे देश में यहाँ पर जो रिजन होता है रिवर गंगा रिवजनेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसके चलते यहाँ पर फिर आप लोगों को पता है कि एक नई बॉडी बनाएगी नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा रिजोनेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो इसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ठीक है तो ये जो है यहाँ पर प्रॉपर वे में काम करने के लिए बनाएगी एक पर्टिकुलर एक्ट है हमारे देश में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बनाया गया इन्वॉर्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ठीक है तो उसके तहत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये पर्टिकुलर बॉडी काम करती हुई नजर आती है तो ये याद रखिएगा और उसमें डिक्लेयर किया गया कि गंगा जो है वो एक नेशनल रिवर है तो इस पर्टिकुलर जो इन्वॉर्मेंट प्रोडक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से नेशनल रिवर यहाँ पर बोला गया प्रॉपर बजट दिया जाता है इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए थे काफ़ी पुराने टाइम पर 2010 में और ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर कोशिश ये रहती है कि ढंग से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके ठीक है तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं तो क्वेश्चन नहीं पूरा टॉपिक हो गया आप लोगों के लिए अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फिर भी होगा तो बताना इस्तेमाल किया जा रहा है बोलो, मतलब दूर किया जाएगा डाउट आप लोगों का ठीक है तो पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया क्वेश्चन की तरीके से आप लोगों को समझा दिया उदाहरण के तौर पर एक डे भी हम लोगों ने देख लिया और क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए यूपीएससी का भी हो गया और जो आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए क्वेश्चन वो भी आप लोग हो गए फिर भी कोई डाउट है तो बताना उसको दूर किया जाएगा मैं आशा करता हूँ कि डिटेल में आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया एक एक पॉइंट ओके दोस्तों उड़ीसा के अंदर है भितरकनी नेशनल पार्क और वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं पर लेकिन आज की डेट में कंडीशन जो है वहाँ पर यह हो चुकी है कि क्रोकोडाइल की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है तो इसके चलते लोग ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता हो है होता क्या है कई बार लोग डर जाते हैं मगरमच्छ से तो मगरमच्छ को मारते हैं और जब मगरमच्छ को मौका मिल जाता है तो वो इंसानों को मारता है तो जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है तो तब यहाँ पर ये यह प्रॉब्लम निकल के आती है कि यार इसके बारे में आप कुछ सोचना पड़ेगा तो उसी के चलते यहाँ पर ये यह आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है डाउन टू अर्थ जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मैगजीन है जिसमें ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है और बोला गया है कि यहाँ पर उड़ीसा के अंदर में जो यहाँ पर ये यह भीतर कनी का जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर जो च्यूरियन क्रोकडाइल है उनकी संख्या जो है काफी लार्ज स्केल पर बढ़ चुकी है तो ये नहीं कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर है कि सीधा सीधा एक टॉपिक आप लोग का आता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो ह्यूमन और क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट ये इन्वॉर्मेंट के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले तो एक सीधा साधा सा क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि भीतर भितरकनी का नेशनल पार्क कहां पर है यार ये बता दो तो किसी भी वनडे टाइप के एग्जाम में ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है तो भीतर भितरकनी का नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर में इसके अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं वैसे यहां पर अगर बात करें तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है तो ये याद रखिएगा इसी के नीचे गरीमा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोग बोल सकते हैं आप लोगों ने कई बार सुना होगा बहुत सारे कछुए जो हैं वो आते हैं यहां पर अपने अंडे देते हैं तो ये कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं उड़ीसा के अंदर में एक क्वेश्चन बड़ा पैरा सा मैं पूछूंगा आप लोगों से उड़ीसा जो है वो कितने राज्य के साथ में बाउंड्री टच करता है ये आप लोगों को बताना है अगर आप लोग स्टेट से आते हैं किसी भी तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टेट पीसीएस के अंदर भी अक्सर पूछ ली जाती है ठीक है तो बात करते हैं यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क की मोटे मोटे तौर पर अगर इसके एरिया के बारे में बात करें तो ये लगभग छह हजार सात सौ इनमें छह हजार वो बहत्तर किलो सॉरी बोल रहा हूँ सॉरी 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 ये है लगभग छह सौ बहत्तर किलोमीटर जो वाला एरिया है ये उसमें फैला हुआ है ठीक है और यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये इतना एरिया बना देता है इसका कि देश के अंदर में सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम मतलब जो दलदली फॉरेस्ट होते हैं ये इतना बड़ा एरिया है कि हमारे देश में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दलदली फॉरेस्ट ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं कोस्टल एरिया में जब यहां पर हम लोग बात करते हैं कोस्टल एरिया वाले एरिया में कि कोई भी अगर यहां पर सुनामी आ रही है कोई बाढ़ आ रही है तो उसको कंट्रोल करने में ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेगा दूसरा यहां पर बोला गया सेकंड लार्जेस्ट इसका मतलब यह कि इससे भी बड़ा कोई है भितर कनिका से बड़ा भी कोई यहां पर आसपास मैंग्रूव आप लोगों को देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा भितर कनिका से नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जो सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कहां पर है वो याद रखना कोई कंफ्यूजन आप लोगों को उसको लेकर नहीं होना चाहिए वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर वीडियो को पॉज कर चलिए एक बार बताइए आप लोग नीचे देखते हो कौन कौन बताता है वो है वेस्ट बंगाल के अंदर खासकर बात करें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला जो एरिया है ये सबसे बड़ा दुनिया का दलदली फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी का नाम आप लोगों ने सुंदरवन सुना होगा कई बार सुंदरवन जो है यहाँ पर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक सुंदरी नाम का ट्री जिसके नाम पर इसका नाम सुंदरवन पड़ा उन्हें कहते कई बार कई सारे लोग रहते हैं हमारे बुजुर्ग उनके नाम पर हमारे जैसे नहीं परिवार के नाम पड़ जाते हैं तो ये फुलाने के परिवार में से आता है ढिमकाने के परिवार में से आता है आप लोगों ने अक्सर गांव में इसके बारे में सुना होगा ठीक है तो इस तरीके से यहां पर ये सुंदरी ट्री के नाम पर ये सुंदरवन इसका नेशनल पार्क का नाम पड़ गया और सबसे बड़ी बात यहां पर, याँ पर ये कि दुनिया में सबसे बड़ा मैं अपने देश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं दुनिया में सबसे बड़ा मैंगूव एरिया जो है वो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर हर एक एरिया की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है तो यहां पर चार रिवर तो आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी स्पेशलिटी और इसी के साथ में इसके ऊपर तो आप लोग एक तरीके से स्टार लगा लेना दो तीन रीजन क्या है ये यहां से कई बार वनडे टाइप क्वेश्चन आप लोग बन चुके हैं तो ये यहां पर जिसका नाम है ब्रह्मिनी इसी के साथ में बेतरानी नेक्स्ट यहाँ पर धामरा नेक्स्ट यहां पर यह पारसाला ठीक है तो ये पर्टिकुलर एक यूनिक इको आप लोग का बनाती है जो ये चार रिवर है इस पर्टिकुलर रीजन में इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो ये आप लोगों को बेव बंगाल वाली साइड में देखने को मिलेगा अपनी कंट्री का जो मैप है ना इस साइड में आप लोगों को अरेबियन सी देखने को मिलता है और इस साइड में आप लोगों को देखने को मिलता है बेओ बंगाल तो ये बेओ बंगाल वाली साइड में देखने को मिलेगा इस एरिया की चार स्पेशलिटी तो मैंने बत, चार रिवर तो मैंने बता दी तीन स्पेशलिटी है एक तो यहां पर सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं खारे पानी में पाने जाने वाले मगरमच्छ काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं दूसरा यहां पर गरीमाथा बीच है जो कि ओलिव रेडली टर्टल यानी कि जो कछुए होते हैं जिनकी ओलिव रेडली टर्टल कैटेगरी के, के वो यहां पर पाए जाते हैं दुनिया भर के कछुए आकर यहां पर अंडे देते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर अपनी जो एक तरीके से जिंदगी की नई स्टार्ट करते हैं नए नए बच्चा पैदा हुआ है तो नई नई जिंदगी की स्टार्ट करनी तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट के ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना ये है आठ वेराइटी है किंग फिशर जो बर्ड जो किंग फिशर बर्ड होते हैं उसकी जो आठ वेराइटी है वो आठों की आठों वेरायटी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है ठीक है और ये काफी रेयर भी है तो ये सारी ऐसी ऐसी बातें जो कि इंपॉर्टेंट है किसी नेशनल पार्क के बारे में अगर क्वेश्चन पूछने लगे कोई आप लोगों से तो जो तीनों चीजें मैंने आप लोगों को बोली है किंग फिशर क्रोकोडाइल और यहां पर ओलिव रेडी टटल ये देखो कितने चिनक चिनक से छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से चुनो चुनो से कछुए हैं ठीक है दिख रहे हैं <laughs> है ना क्यूट तो ये वाले ठीक है।, है तो बहुत सारे कछुए यहां पर आते हैं क्रोकोडाइल एक खतरनाक आप लोग यहाँ पर देखते हैं मगरमच्छ और आठ वेराइटी जो यहां पर किंग फिशर की है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और हां अभी आप लोगों ने उड़ीसा के अंदर एक एग्जाम देखा जिसमें कई सारे बच्चों के द्वारा पेपर भी शेयर किया गया बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि यहाँ पर हमारे जो डिस्कशन से आए हुए थे है ना आप लोगों ने देखा ना बहुत सारे बच्चे अभी देख रहे थे एग्जाम का नाम शायद मतलब एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा मुझे उड़ीसा का मतलब स्टेट के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ ठीक है तो वो वाला एग्जाम था तो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछे गए तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को खासकर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएंगे ओके अगर बात करते हैं यहां पर एक तो सबसे बड़ा इशू क्या है अब यहां पर मुद्दा क्या बन गया जिसकी वजह से इस मैगजीन को ये आर्टिकल कवर करना पड़ गया तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि 50 लोग जो हैं वो भी मारे गए रिसेंटली 2012 से अगर बात करते हैं और इसी के साथ में 25 क्रोकोडाइल मारे गए यानी कि मगरमच्छ जो है उन्होंने लगभग 50 लोगों को मार दिया यानी कि मगरमच्छ 50 लोगों को खा गए जैसे तैसे उनकी चपेट में आ गए इसी के साथ में जब मगरमच्छ आदमी को खा रहे हैं तो आदमियों को गुस्सा आएगा फिर आदमियों ने लगभग पच्चीस मगरमच्छ भी मार डाले यहां पर यानी कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का ये एक काफी खतरनाक नजारा आप लोग को देखने को मिलेगा जिसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है जो है सबसे बड़ी क्या देखने को मिल रही है इनको रहने के लिए अपनी एक टेरिटरी चाहिए वो नहीं पुराने टाइम पे राजा रजवाड़े होते थे तो ये भी अपनी जिंदगी उसी तरीके से एंजॉय करते हैं तो जब यहां पर पानी की कमी या फूड की कमी या फिर एक तरीके से पार्टनर के साथ में मीटिंग करना या फिर कोई भी इनकी जो साइट्स होती है जो यहां पर अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय करते हैं वो वहां पर इनको अच्छे से नहीं मिल पाती है तो फिर यहां पर ये इशू देखने को मिलता है आप लोग खुद सोचिए अगर सारे जंगल हम लोग काट डालेंगे तो जंगल में रहने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो कहां पर रहेंगे वो सारे बाहर निकल निकल कर आएंगे और फिर वो हमारे ऊपर धाड़ेंगे तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में आप लोग देखो इसके पीछे काफी बड़ा रीजन भी है प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में कब स्टार्ट किया गया था बताइए जरा देखता हूँ किस किस को याद है उसके साथ में आप लोगों को मैंने बता रखा है केसवानंद भारती केस दोनों को कनेक्ट करके रखना ठीक है तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड जो इन्वॉरमेंट है उसके द्वारा उन्नीस में स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि क्रोकोडाइल रेयरिंग प्रोग्राम बंद कर दो यानी कि क्रोकोडाइल को कंट्रोल करना पालन करने का जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दो और उसको फंडिंग देना बंद कर देगी स्टार्ट की जो गवर्नमेंट के द्वारा में तो ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं तो यहां पर जो संख्या थी 1975 में 94 के करीब यहां पर क्रोकोडाइल की संख्या थी ये बढ़कर 1995 में यानी कि 20 साल के अंदर अंदर इनकी संख्या जो है वो 1000 हो गई सोचो एक पर्टिकुलर कोई लेक है कोई रिवर है वहां पर सो के करीब क्रोकोडाइल है अब यहाँ पर सो के करीब क्रोकोडाइल है चलो एक बार को समझ में आता है वो संख्या है उनकी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अब वो यहाँ पर ये सो आप लोग बोल सकते हैं हाँ सॉरी एक हजार वहां पर अब हो गए ठीक है ये समझने के लिए थोड़ा सा और अगर डिटेल में आप लोग समझना चाहते हैं आप लोग थोड़ा सा ये सोच के देखो कि एक परिवार में जो है वो वहां पर दस आदमी है ठीक है अब वहां पर उस परिवार में दस नहीं उस परिवार में जैसे कि बच्चे पैदा होते गए और बढ़ते गए सब इकट्ठा रह रहे हैं

तो उसी टाइम पर यहाँ पर ये यह भी दिखा ठीक है आप लोगों ने देखा ना जो मूवी अभी जो लाल सिंह चड्डा दिखाई गई है उसमें इमरजेंसी के भी दृश्य दिखाए गए हैं कई सारे उसकी वजह से लोग जो हैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं पैरेलल में जो स्टोरी चल रही है वो स्टोरी कई सारे लोगों को पसंद नहीं आई ठीक है ठेके? जिसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिले क्योंकि जिस कंट्री से जो मूवी थी उसकी जो कॉपी बनाने की कोशिश की गई वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स को कवर किया गया है तो वहाँ पर तो फेमस हो गई पर हमारे देश में इतनी नहीं चली पर लेकिन बोल रहे हैं कि बाहर जो है मूवी को अच्छे से देखा जा रहा है अगर बात करें मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में तो जो रेप्टाइल्स है यहाँ पर ये इनका नेचुरल हैबिटेट है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है कैसे बिल्ड करना है इनकी ब्रीडिंग को कैसे सही डायरेक्शन में लेके चलना है तो ये काम था तो उड़ीसा के अंदर तीन आप लोगों को मेन स्पीसीज देखने को मिलती है इंडियन क्रोकोडाइल की घरियाल बोलते हैं सोल्ट वाटर बोलते हैं और इसी के साथ में मुगर ठीक है तो ये अलग अलग तरीके से इनकी पिक्चर आप लोग देखेगा एक बार जाकर तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे किस तरीके से इनका नजारा देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो ये इसके ऊपर जैसे किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की जब बात आती है ना तो इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो आप लोग यहां पर एक बार देख लीजिए जैसे क्रोकोडाइल के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर ठीक है तो यानी कि ये छोटी सी चोच का आप लोग घरियाल देखने को मिलते हैं ये एक शाकाहारी माना जाता है आई थिंक तो यहाँ पर ये एक तरीके से ये काफी ऐसा नहीं है देखने में कि एक तरीके से जिसकी चोच सी आप लोगों को देखने को मिल रही है तो यहाँ पर मछली वगैरह सब खाता है कि नहीं खाता है पता नहीं आई थिंक साका हरी सह मतलब देखना इसके बारे में थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली ठीक है आई की जो लिस्ट है यहाँ पर उसमें देखने को मिलेगा यहाँ पर मैंशन और यहाँ पर अगर बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और फूड एंड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा फंड किए गए टेक्निकल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताकि इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जा सके ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नेशनल पार्क देख लिया उसके बारे में बातें कर ली क्या रीजन है कि यहाँ पर ये न्यूज में आ रखा है इसके ऊपर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं वो बेसिक चीजें भी हम लोगों ने कर ली ठीक है तो अब आप लोगों के सामने है क्वेश्चन जो कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप लोग इसका आंसर दीजिए यूपीएससी ने 2017 में यहां से क्वेश्चन पूछा ठीक है तो यहां पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा आप आप लोग देखते हैं बोला जा रहा है कि इफ यू वांट टू तो सी द द इन नेचुरल हैबिटेट तो आप लोग क्या करना पड़ेगा कि उनसे प्लेस को आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं आज के में यूपीएससी में ना समझदार हो गया है जो रटे फटे क्वेश्चन होते थे ना वो नहीं अब आप लोगों से पूछता है थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो बात की जा रही है यहाँ पर कि आप लोगों को भितरकनिका जो मैंग्रूव में जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पर चंबल रिवर में जाना पड़ेगा या फिर आप लोगों को जो पुलकित लेक है वहां जाना पड़ेगा या फिर आप लोगों को दिपोर जो भील है वहां जाना पड़ेगा तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर इसके बारे में बात की जाए तो याद रखिएगा अगर आप लोगों को जाना है क्या देखने घरियाल देखने ठीक है घरियाल जो होती है उनकी जो चोंच होती है लंबी सी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसके बारे में याद रखिए सबसे ज्यादा जो यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलते हैं तो ये चंबल जो एक तरीके से रिवर जो चंबल घरियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर आप लोगों को नजर आएगा ठीक है तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड रीजन में भी आप लोग को देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर तो आंसर इसका बी हो गया तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम में अगर बात करो यहाँ पर साइंटिफिक नेम के बारे में तो ये सारे और कौन सा ऑर्डर कौन सा फैमिली क्या क्या चीजें इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कनेक्ट आप लोग कर सकते हैं ठीक है बाकी यहाँ पर ये आप लोगों को महानदी देखने को मिलेगी ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं बेव बंगाल के अंदर में ये पुलकिट लेक आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है ये आंध्र प्रदेश के अंदर में है ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों से आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है इसी के साथ में आसाम के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो सात नेशनल पार्क हैं ठीक है थीके? तो सातों के सातों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं अगर कल को कोई आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों को याद रखना है जैसे दिपोर भील हो गया ठीक है तो इसके बारे में भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दिपोर भील ठीक है तो ये है अभी रिसेंटली सबसे लेटेस्ट कौन सा ऐड किया गया ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए फीडबैक जरूर दिया करो यार आप लोगों को जैसे भी लेक्चर लगता है कोई भी डाउट होता है तो उसको पूछ लिया करो तो इससे यूट्यूब और मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को लेक्चर कितना पसंद आ रहा है तो एक बेसिक एक छोटा सा आर्टिकल था तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंट न्यूज है हालांकि मैंने आप लोगों को ये पढ़ाई थी पर लेकिन फिर से हल्का सा एक रिजन भी आप लोगों का हो जाएगा हमारे देश में अभी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप लोगों का टॉपिक अच्छा बन जाता है इस स्कीम को वैसे तो आप लोग बोल रहे हैं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर पर लेकिन ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है ये आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग तुरंत यहां पर कंफ्यूजन में डाला जा सकते हैं ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए कि एक ही ब्रांड नेम होना चाहिए पूरे देश के अंदर में और उसका नाम क्या है पीएम बीजेपी तो याद रखने के लिए आसान है ना तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना परियोजना तो ये यहां पर लाएगी तो इसका नाम योजना भी रखा जा सकता था पर परियोजना रखा क्यों क्योंकि यहां पर पूरा बीजेपी भी बनाना था तो ये भी एक सोची समझी साजिश आप लोग बोल सकते हैं अपोजिशन को मिर्ची लगाने के लिए ठीक है हालांकि ये हालांकि बोल सकते तो वैसे एक तरीके से गलत है ऐसे नहीं होना चाहिए तो कोई इस तरीके से होना चाहिए कि न्यूट्रल हो क्योंकि जैसी अगर गवर्नमेंट चेंज होती है नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो क्या करती है वो आती है सबसे पहले जो स्कीम्स रहती है उनके नाम चेंज करती है तो इसका नुकसान भी होता है काफी ज्यादा पर लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग हमारे हाथ में कुछ है नहीं हमारे हाथ में अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन चुनकर भेजना ठीक है तो सिंगल ब्रांड रखा गया जिसका नाम है भारत जिसके तहत यहां पर चीजें देखने को मिल रही है तो इससे क्या रहेगा आसानी से राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर यहां पर पहुंच सकेंगी चीजें और इसी के साथ में जो सब्सिडी दी जाती है एक लाख करोड़ से भी ज्यादा छूट यानी कि सब्सिडी दी जाती है हमारे देश में तो एक तरीके से गवर्नमेंट बोलती है कि वाह भाई वाह पैसा करें हम खर्च और मजे उड़ाओ तुम लोग तो उसको यहां पर टैगल करने की कोशिश की जाती है ठीक है तो यह है काफी इंपॉर्टेंट बात ठीक है एक बच्चा कह रहा है कि सर वीडियो इतनी लंबी क्यों हो जाती है मतलब मतलब आप लोग ये बताओ जो चीजें पढ़ाई वाली में आप लोग कटौती करना क्यों चाहते हैं चौबीस घंटे में से बस मतलब ये लगभग पूरी एक घंटा बीस बाईस मिनट की वीडियो रहती है ठीक है मैक्सिमम आप लोग ये देख सकते हैं तो मतलब इस वीडियो के अंदर या फिर मैं बोलू आप लोग को मतलब पढ़ाई वाली चीजों के अंदर ही कटौती करनी है और एक हजार चीजें होंगी ना यार कटौती करने के लिए थोड़ी थोड़ी उनमें कटौती कर लिया करो पर नहीं पढ़ाई वाली चीजें आप लोगों को ज्यादा टाइम लगता है ज्यादा डिटेट करती हैं सबसे पहले उन्हीं के अंदर कटौती करनी है, है कि नहीं सुधर जाओ मेरे दोस्तों जिंदगी में यही काम आने वाली है इन्हीं के अंदर आप लोग कटौती करना चाहते हो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर आट ठीक है तो ए एफ एस पी ए तो यहाँ पर ए जो है यहाँ पर इधर छुप गया ठीक है ए एफ एस पी ए तो आर्म को जो फोर्स दी जाती है स्पेशल पावर दी जाती है स्पेशल पावर मतलब किसी के भी घर में जाकर चेक कर सकते हैं किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं अगर लगे उनको कि कुछ गलत हो रहा है तो गोली भी चला सकते हैं और यहां पर उनसे कोई कार्रवाई भी नहीं होगी सेंटर जो है पहले उनके आड़े आएगा अगर कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई चलना चाहता है तो यानी कि स्पेशल पावर दी जाती है और इसका रीजन भी है देने का क्योंकि ऐसे एरिया जहां पर आप लोग देखते हैं कि अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है यानी कि जहां पर कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम वहां पर इस तरीके की पावर देना लाजमी बनता है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए आज का नहीं ये पुराने टाइम से ब्रिटिश टाइम पे अगर बात करें पर्टिकुलरली आसाम और बंगाल में यहां पर ऑर्डिनेंस लाया गया था प्रोपर आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश और आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर में दो आर्टिकल है ऑर्डिनेंस के लिए एक तो आर्टिकल है वन टू थ्री जिसमें प्रेसिडेंट साहब को ऑर्डिनेंस की पावर मिली हुई है राष्ट्रपति महामहिम को एक आर्टिकल के थ्रू गवर्नर को मिली हुई है तो वो आर्टिकल कौन सा है वो आप लोग बताइए बेसिक पावर यहां पर इसका पर्पज ये था ताकि शांति बनाकर रखी जा सके उन एरिया में जहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो अभी बात की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में से इसको हटाने की बात की जा रही है देखिए होता क्या है नॉर्मली जहां पर आर्म फॉर स्पेशल पावर एक्ट लगा रहता है ना वहां पर जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करने से भी डरता है उनको ये लगता है कि यहाँ पर वैसे ही गड़बड़ हो रखी है तो यहां पर आप लोग सोचो कि कोई वहां पर आप लोगों को बोल दे कि आप लोगों यहाँ पर जमीन खरीदनी है यहाँ पर कोई आप लोग को बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोग बोलेंगे यार वहां पर तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा किसी ठीक ठाक इलाके में खोद खरीद लेते हैं या फिर काम कर लेते हैं तो इससे लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी भी रहती है ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर हट जाए तो कहीं ना कहीं फायदा भी देखने को मिलेगा काफी ज्यादा ये आर्टिकल जो है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहां पर देखते हैं काफी ज्यादा न्यूज में है और टाइम टू टाइम ये न्यूज में रहता है हमारी कंट्री में रोहिंग्या कम्युनिटी को, को लेकर अभी पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है तो फिफ्थ एनिवर्सरी ये एक शब्द है यहाँ पर एक्सोडस एक्सोडस मतलब अपने देश से जब ये छोड़कर भागे यहां पर म्यांमार टू बांग्लादेश या फिर कई सारे एरिया में तो इलीगल फॉरनर यहां पर बोला गया तो यानी कि होम मिनिस्ट्री ने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ पर इलीगल फॉरनर है और किसी को भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत यहां पर ऐसा नहीं कि कोई इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी उसके ऊपर काफी बवाल भी हुआ ठीक है तो इसके चलते हालांकि ये स्टार्ट तो हुआ था दो में पर लेकिन दो में कुछ ज्यादा ही हो गया था इसलिए फिफ्थ एनिवर्सरी जो है दो से काउंट यहां पर की जा रही है ताकि लोगों को समझाया जा सके कि इतने दिनों से लोग जो हैं बेरोजगार बेघर होकर यहां पर इधर उधर घूम रहे हैं इनके बच्चे भी हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है बहुत सारी महिलाएं उनको सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसके चलते यहां पर ये इशू निकल कर आ रहा है ठीक है तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है अच्छे से इसको आप लोग समझ सकते हैं ये न्यूज में काफी ज्यादा रहता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक काफी इंपोर्टेंट जो मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है वो है पेगासस के ऊपर पैगासस जो वायरस है यहां पर यह हमारे देश में काफी बड़ा इशू चल रहा है काफी लंबे समय से और आप लोगों को पता है कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 संविधान में जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट थर्ड के अंदर में पर लेकिन पैगासस जो है वो आप लोगों के फोन में घुस गया और पता भी नहीं चला किसी को तो इसके चलते यहां पर ये एक ऐसा वायरस था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बोला गया ये जो आई वायरस जो बनाया गया यहां पर ये एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया जो कि इसराइल की एक कंपनी है उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि टेरिज्म को रोका जा सके पर लेकिन ये बोला जा रहा है कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया इंटरेस्टिंग चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट में यहां पर ये पूरा केस पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा तो गवर्नमेंट ने ना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया ठीक है उन्हें कहता है जैसे कोई आंसर पूछे क्वेश्चन पूछे तो ना तो ना करे ना हाँ करे कुछ बाईपास करके निकल जाए तो उसके चलते काफी बड़ा इश्यू यहां पर निकल कर आ रहा है हालांकि अगर बात करें इसके बारे में आर वी रविंद्रनाथ के नाम से जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई वो यहां पर इस चीज को स्टडी करके बोल रही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल किया गया लोगों के फोन में तो ये चीजें देखने को मिली ठीक है तो यहाँ पर कई सारे लीडर भी हैं अपोजिशन के और वो सब आरोप लगा रहे हैं कि हमारे फोन में भी यहां पर पैगसिस यहाँ पर देखने को मिला और कहीं ना कहीं इससे हमारी इमेज के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा काफी अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे कि हमारी कंट्री गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के खिलाफ जर्नलिस्ट के खिलाफ अपनी इसरो या के साइंटिस्ट के खिलाफ बहुत सारे लोगों के खिलाफ यहां पर बोला गया कि ये पैगस वायरस जो है वो इस्तेमाल किया गया तो देखते हैं ये सही है या फिर गलत है इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया कम से कम रख सकते हैं कल को अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो ठीक है तो हाजिर इसके बारे में आप लोग अगर जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर पेगसस लिख के जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो यहां पर आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी आप लोग जाकर यहां पर देख भी सकते हैं डिटेल में यहां पर चीजें प्रोवाइड करा रखी है पूरे नोट्स हैं आप लोगों के सामने कहाँ से निकल के आया क्या क्या इशू है इसके साथ में हमारी कंट्री में क्या क्या कानून है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रखे हैं ठीक है तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं आप लोगों के लिए सहूलियत रहेगी पर, तो इसको आप लोग देख लेना है जिन हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन के एग्जाम में सबसे पहले तो आप लोग को अभी देखने को मिला जो 40 स्टोरी बिल्डिंग थी यहाँ पर सुपर टेक की वो गिराई गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में नोएडा के अंदर में इसको डिमोलिश किया गया जो ट्विंस टावर के नाम से यहां पर फेमस था क्योंकि कंस्ट्रक्शन वोलेशन इनके द्वारा किया गया यहां पर दो बिल्डिंग के बीच में 16 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए नाइन की थी लोगों के साथ में एग्रीमेंट साइन किया था कि यहां पर ग्रीन जोन रहेगा उसमें बिल्डिंग बना दी बहुत सारे ऐसे इशू थे जिसके चलते यहां पर मुद्दा देखने को मिला तो इसके चलते इसको गिराया गया गवर्नमेंट के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है डब्ल्यू 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 यह है स्वच्छ सागर तो इनके जो सागर खासकर कोस्टल एरिया आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो टोटल राज्य हैं नौ राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरिया पर आते हैं तो यहाँ पर कैसे स्वच्छ किया जा सकता है सागर तो कोस्टल एरिया को क्लीन अप प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अमित शाह जी जो है वो यहां पर नेशनल फोरेंसिक साइंस जो यूनिवर्सिटी है उसमें यहां पर जो गांधीनगर के अंदर में अटेंड किया फर्स्ट जो कन्वेंशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये होम मिनिस्ट्री की साइड से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया वज्र प्रहार तो मैंने कई बार आप लोगों को बता दी ये बकलोहो जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया और यूएसए की ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज तो इसको आप लोग याद रखिएगा पिनायका जो रॉकेट है उसकी रेंज बढ़ाने की बात की जा रही है अभी अभी यहां पर बालासोर और पोखरन के अंदर में इसको टेस्ट फायर किया गया बोला गया 37 से 45 किलोमीटर इसकी रेंज बढ़ाया है ताकि दुश्मनों को आसानी से डोनेट एक तरह से ढेर कर सके ठीक है सारेक्स एक एक्सरसाइज है यहां पर जिसमें यहां पर डोनियर एयरक्राफ्ट जो है डेमोस्ट्रेशन उसका किया गया कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है अगर कहीं पर लोग दिक्कत में फंस जाए ये जो एक्सरसाइज है यहां पर याद रखिएगा ये इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उसके द्वारा यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया ठीक है तो इसके चलते हमारी कंट्री में कोस्ट गार्ड जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात में जाकर यहां पर स्मृति वन ये याद रखिएगा आप लोगों से पूछा जा सकते हैं ये काफी इंपोर्टेंट मेमोरियल बनाया गया है खासकर लोगों की याद में कि अर्थ क्वेक में जो कच्छ के अंदर 2001 में दुनिया भर के लोगों की जान गई थी उस टाइम पर भूकंप की वैसे तो उसके नाम पर यह बनाया गया है ठीक है तो भुज के अंदर में यहां पर यह बनाया गया है ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछ ले जाते हैं खासकर अगर आप लोग गुजरात के अंदर स्टेट पीसीस की तैयारी कर रहे हैं तो और भी इंपोर्टेंट हो जाते हैं जनरल जी और फॉरन मिनिस्टर ऑफ जिनका नाम है अब्दुल्ला सईद तो विजिट कर रहे हैं इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा रोल था इंडिया का इंडिया ने अफगानिस्तान को छोड़कर मोलदीव को सपोर्ट किया था ताकि ये प्रेसिडेंट पर बन सके तो इसलिए पर ये भी इम्पोर्टेंट बहुत यहां पर पॉइंट हो जाता है ठीक है ये कुछ ऐसी न्यूज है जिसमें इकोनॉमी और कॉर्पोरेट से रिलेटेड आप लोग यहां पर न्यूज बोल सकते हैं छोटी छोटी न्यूज वन लाइनर टाइप की प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसका नाम आप लोगों ने काफी लंबे समय से सुनते हुए आ रहे हैं आठ साल अपने कंप्लीट कर लिए याद रखिएगा ये जो स्कीम थी हमारे देश में 2014 में इसको लॉन्च किया गया था 2014 से ये जो स्कीम है यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लॉन्च की गई थी इसका मतलब ये था कि जो लोगों का अकाउंट नहीं है बैंक के अंदर में उनका अकाउंट खुलवाया जाए तो अकाउंट खुलेगा तो लोग पैसे रखेंगे और अपनी मनी को सेव कर पाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था अगर मैं पूछ लूँगी कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कीम आती है क्या आप लोग बता पाएंगे वीडियो को पोस्ट कर बताइए देखता हूँ कौन बताता है ये जो स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है दो में इसको लॉन्च किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आप लोग इसको बोल सकते हैं इतने सारे लोगों का अकाउंट यहां पर खोला गया गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर में 40 इयर्स हो चुके हैं सुजुकी मोटर्स समझ रहे हैं कितनी पुरानी है यहां पर कंपनी है तो यहां पर उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है बेसिकली ठीक है ये हालांकि न्यूज जो है यहां पर मेन मुद्दा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है तो ये बेसिकली एक ऐसा एक ऐसी बॉडी आप लोग बोल सकते हैं जो कि कंपटीशन कैसा है उसको मेंटेन रखने का काम करती है 2003 में ये बॉडी बनाई गई थी और एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू यहां पर इसको बनाया गया तो ये कई बार न्यूज में रहती है तो अभी यहां पर इसके द्वारा यहाँ पर जो बिल डेस्क एक्वाइजेशन है जो बेसिकली जो यहां पर बात की जा रही है पोर्सेस बैकड बाई पे यू तो यहां पर उसको सो कोज नोटिस दिया गया क्योंकि कई बार घपला रहता है किस तरीके से एक्वाइजेशन कर रहे हैं आप लोग तो यहां पर मेन मुद्दा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये आप लोगों को पता होना चाहिए ये ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है इसको बोलते हैं होन ऑफ अफ्रीका ये इसके ऊपर इतने क्वेश्चन पूछे गए आप लोग उठाकर देखोगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि होन ऑफ अफ्रीका के अंदर में कौन कौन सी कंट्री आती है सबसे पहले तो ये आप लोग याद रखेगा ये चार कंट्री से मिलकर बना हुआ है इथोपिया एडिटेरा सोमालिया और जिबूती जिबूती में यहां पर डी साइलेंट है इसलिए इसको जिबूती बोलते हैं मैं पहले इसको डिजिबूती बोला करता था क्योंकि जहां से भी सुना जितना भी पढ़ा था उसके चलते कई बार लोग रहते हैं कि एक तरीके से ना कभी सुना नहीं किसे पढ़ा है जितना भी जाना है तो कई सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं तो अगर कभी भी आप लोगों को लगे कोई गलती कर रहे हो और लग रहा है कि अब उसको सुधार लेना चाहिए कहीं पता चल गया है गलती हो रही थी तो तुरंत उसको सुधार लेना चाहिए ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चार कंट्री देखने को मिलती है इसके अंदर में न्यूज में क्या है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया कि ग्रोथ क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल सकता है सूखा यहाँ पर पड़ सकता है काफी लार्ज स्केल पर जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है और आने वाले टाइम में यहां पर और भी ज्यादा न्यूज में देखने को मिलेगा तो ग्रेट होन रीजन जो है इसमें याद रखेगा इसमें कई सारी कंट्री जैसे ब्रूंदी रवांदा तंजानिया ये भी यहां पर ऐड हो जाते हैं तो ये पर्टिकुलर एक न्यूज है जो कि मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है ठीक है बाकी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में आप लोगों से पूछा था तो डिटेल में यहां पर बताया गया तो लवली चोबे है इनका नाम और जो पर्टिकुलर इनके द्वारा गोल्ड जीता गया इनकी पूरी टीम थी यहाँ पर ये जो यहां पर खेल रहे थे ठीक है तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि इनके बारे में आप लोग जरूर देखेगा इनके गेम के बारे में क्योंकि चार मेंबर की टीम थी तीन मैंने कवर करा दी एक और बचा हुआ है उनको मैं कल कवर कराऊंगा आप लोगों को तो इस तरीके से समझ सकते हैं बाकी डिटेल में आंसर आप लोगों ने यहां पर देखें जो भी डाउट हो उसको क्लियर करना है ठीक है आज की जो वोकेबलरी है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये पांच शब्द हैं इनको आप लोग अपनी डिक्शनरी में इंक्लूड कर सकते हैं और इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से चीजें याद रख सकें अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व ठीक है जो कि पहले कोई भी काम नहीं किया गया उसको बोलते हैं बेसिकली लॉजिस्टिक ये एक तरीका अरेंजमेंट बोल सकते हैं ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने करवा रखे हैं आप लोग ये रिपीट हो गए मुझे लग रहा है ठीक है चलिए कोई नहीं रिविजन हो जाएगा आप लोगों का मुझे याद आ रहा है जैसे कि मैंने ये वाली स्लाइड करा रखी है फिर भी करा तो इतनी सारी रखी है याद कितनी है, आप लोग ये देखो ठीक है तो इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म जरूर करिएगा क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आंसर राइटिंग भी आप लोग करोगे आज का डिस्कशन कैसा रहा जरूर बताना फीडबैक के लिए काफ़ी आतुर है कौन यूट्यूब ठीक है तो उसको फीडबैक जरूर देना टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इंस्टाग्राम पे जो भी मैसेज कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे रेगुलर मैसेज कर रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो आपके मैसेज ही पढ़ लिए जाएंगे टेंशन मत लेना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आतुर हो जाते हो जरा सी देर में ठीक है तो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर सारे सोशल मीडिया के हैंडल जो हैं वीर तालियान के नाम से हैं जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं और मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं आसपास सफाई रखिए पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए पोलिथिन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं